ठीक है ना। GIF क्या है शॉर्ट में, इसको हमने बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले समझना है अच्छे से, आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। इस फंक्शन को हम लोग ना ऐसे लिखते हैं, चाहे y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना। चाहे अपन इसी को बोल सकते हैं जो fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका आउटपुट जो होगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। आउटपुट क्या आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है। यानी कि y का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। ध्यान से सीखिएगा, जैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया गया था, याद है किसी को? जैसे सोच लो ये आपका नंबर लाइन है जो कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, यहाँ पे आपका जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये आ गया आपका माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। अगर हमें फाइंड करना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5, तो 1.5 इसमें कहाँ पे लाई कर रहा होगा, क्या यहाँ पे 1.5 होगा? इसका लेफ्ट साइड वाला इंटीजर क्या आपका 1 है, तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर कोई बच्चा इसका वैल्यू फाइंड कर रहा हो 1.999 का, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए क्या 1.992 से पहले होगा, तो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कौन सा है, 1 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 है, अगर अंदर इंटीजर आएगा तो बाहर भी क्या आ जाएगा, सेम इंटीजर आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? अब बताइए यहाँ पे अगर मैं लिखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2, बताओ इसका वैल्यू क्या लिखोगे, 2 होगा, चलेगा, 2.2 का आपने वैल्यू 2 होगा। अगर मैं लिखूं -2.3, माइनस है तो -2.3 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ बताइए ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर, क्या ये -2.3 यहाँ पे होगा, चलेगा। इसका लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कौन सा है, -3, तो क्या इसका वैल्यू -3 होगा, क्लियर सबको, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब यहाँ से आपने एक चीज और सीखा, जो अगर अंदर में इंटीजर आएगा तो बाहर क्या वही सेम इंटीजर हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 है तो बाहर क्या लिखोगे, 3। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 है तो बाहर क्या आ जाएगा, -5, क्लियर ना। बाकी ये सब अपने को समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नहीं है। अब इस वाले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, ये आपका y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब मुझे ये बताइए क्या 0 टू 1 के बीच में जितना भी इनफाइनाइट नंबर आ रहा है, क्या उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, चाहे 0.9 है, चाहे 0.1 है, क्या सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, होगा। अगर 1 टू 2 के बीच जो भी नंबर लाई कर रहा है, क्या सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। तो बताओ इसके बेसिस पे क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, अगर बोला जाए इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। अब बताइए इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, 1, सबको पता चल रहा है ना, 1 होगा। अगर आपसे पूछा जाए इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2। इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन 4 कितना आएगा, या ऐसे ही इधर ही बोल सकते हैं इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0 क्या आएगा, -1। यहां बताइए क्या मैं लिख सकता हूं इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन -1 क्या आएगा, -2। ये पार्ट सबको क्लियर है, अपन देख पा रहे हैं जो कब, अच्छा आपसे पूछा जाए यार ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू बताइए, तो आप बता सकते हो 0 टू 1,
बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो x क्या होगा आपका? 1 to 2, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए बताइए, इसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन से क्या आप एक चीज बता सकते हो? ये हमें नोट करके लिख लेना चाहिए। देखिए क्या, अगर मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 3, बताइए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 होगा तो x क्या होगा आपका? 3 to 4 होगा। तो आपने बता दिया जो x हो जाएगा अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 less than 4। क्या ये आपको समझ में आ रही बातें? अगर आपसे बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू इंटीजर i, तो x क्या होगा आपका? i से लेके i प्लस 1 तक होगा। क्या ये सबको क्लियर है? ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि जैसे आपने 3 बोला तो आपका x क्या हो गया? 3 टू 4 हुआ। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 2 बोला तो x क्या होगा? 2 टू 3 होगा। क्लियर ना? ठीक है, अब क्या मैं इसके बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां बताइए आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ध्यान से देखिएगा, क्या आप बता सकते हो 0 टू 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आया था? 0 टू 1 में 0, तो ये वैल्यू y इक्वल्स टू 0 लाइन है। 1 टू 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बताइए, क्या ये y इक्वल्स टू 1 लाइन है? 2 टू 3 में 2, ये वाला लाइन है। -1 टू 0 में -1, -2 टू -1 -2, ये जो है ये लाइन जो है जो कि आप देख पा रहे हो, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, मतलब कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अपने को ग्राफ पे अगर पेन चलाए तो उठा के फिर यहाँ पे रखना पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। नहीं चलेगा, इसी फंक्शन को, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसी को कहते हैं स्टेप अप फंक्शन। चलेगा, ठीक है ना? तो अब एक चीज देखने वाली बातें हैं, आपको क्या क्या पहले पता चल गया क्लियर कर लेते हैं। क्या 0 टू 1 में वैल्यू पता चल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होगा? 0 होगा। 1 टू 2 में 1 होगा और 2 टू 3 में 2 होगा। ये सब सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ध्यान से देखें, जैसे 1 पे वैल्यू क्या आया? 1, 0 टू 1 में 1 पे क्या ओपन लगा हुआ है? जैसे ही 1 मिला जंप करके ऊपर चला गया। 1 टू 2 में 1 दिया, जैसे ही 2 रखे जंप करके ऊपर चला गया 2, ठीक है ना? अगर अंदर इंटीजर है तो बाहर भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। क्लियर ना? अब हमें इस डार्क सर्कल को अगर ज्वाइन करें, मिला दें, ध्यान से देखिएगा, ये जो डार्क सर्कल है इसको मिला दें, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 0, 0, ये 1, 1, ये 2, 2। क्या ये लाइन जो है y इक्वल्स टू x पे लाई कर रहा है? मतलब ये जो पॉइंट है y इक्वल्स टू x पे लाई कर रहा है। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर अपन ये जो सर्कल वाला है, मतलब ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको मिला दूं इस वाले को, तो आप बताइए क्या होगा? ये हमने इसको मिला दिया, ये वाला पॉइंट किस सर्कल पे लाई करेगा? क्या ये आपका y इक्वल्स टू x माइनस 1 पे लाई करेगा? Yes, sir. क्या आपको लाइन का इक्वेशन लिखना आता है? Yes, sir. आता है? नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, कुछ दिनों में अपन सीख जाएंगे। y माइनस y1 m इनटू x माइनस x1 होता है। इस लाइन का स्लोप 1 है, इसी के पैरेलल ये है, तो इसका भी स्लोप क्या है? 1 है। क्या ये लाइन 1, 0 से पास कर रहा है? तो यहाँ पे y1 के प्लेस पे क्या होगा? 0 m 1, x1 के प्लेस पे 1। क्या आपने को लाइन मिला y इक्वल्स टू x माइनस 1? क्या अपन बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पे, एक तरह से कह सकते हैं गड्ढा कर दिया आपने, इसको अगर
ज्वाइन कर दे तो क्या अपने को मिलेगा, ये किस लाइन पे लाई कर रहा है, y equals to x minus 1 लाइन पे लाई कर रहा है, ओके। और ये जो डार्क सर्कल है क्या इसको अपन बोल सकते हैं ये किस पे y equals to x पे लाई कर रहा है। इसमें आप मुझे ये बताइए आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है उसका ग्राफ कौन सा है, क्या ये वाला है, मतलब यही बोल सकते हो ना, यही है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, ओके। क्या एक चीज देखो अच्छे से, क्या ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है इन दोनों लाइन के बीच में ही है, इस लाइन से ऊपर है और इस लाइन पे और इससे नीचे है। अब जो मैं पॉइंट लिखूंगा ये कम से कम दे एडवांस ना 10 से 15 बार यूज कर चुका होगा इस क्वेश्चन, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को। अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा x माइनस 1 और लेस देन इक्वल्स टू x होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो y इक्वल्स टू x माइनस 1 लाइन से ऊपर है। ये वाला ग्राफ जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, क्या ये इस लाइन से ऊपर है और इस लाइन पे भी है और इससे नीचे भी है, क्या ऐसा आप सबको दिख रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू x, चलेगा, कोई कंफ्यूजन है आपको, नहीं है ना, चलेगा ना। yes, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, बताइए कैसा होगा, ये y एक्सिस अभी आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, क्या ये ग्राफ कुछ इस टाइप से दिख रहा था अभी आपको, ऐसा था, ये ग्राफ सबको याद रहेगा ना, चलेगा। और नीचे कैसा बन गया था, ऐसा, चलेगा ना। ये आपका जीरो है, यहाँ पे ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है। अगर मैं इसके डोमेन के बारे में बात करूं तो डोमेन क्या ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, सारे x के लिए डिफाइंड है, तो क्या इसका डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा। यस सर, डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r आ गया। अगर अपन रेंज के बारे में बात करें यानी कि आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब देखिए तो ये y एक्सिस का कौन कौन सा पोर्शन कवर किया है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही किया ना, क्योंकि इस वाले पार्ट में y का वैल्यू कितना होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे कितना होगा 3, ये क्या होगा 4, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया 1 फिर 2 3। क्या y एक्सिस में यानी कि हमेशा आउटपुट क्या आ रहा है आपका, इंटीजर आ रहा है, इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर होगा, तो रेंज आ गया अपना इंटीजर और डोमेन क्या हो जाएगा, x belongs to r हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। अच्छा अभी जो हमने बताया था ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में जो बताया था, अगर ये एनीथिंग हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग इक्वल्स टू यहां पे 5 है, बताइए एनीथिंग आपका क्या हो जाएगा, चलेगा ना। ऐसे ही अगर एनीथिंग इक्वल्स टू इंटीजर आया तो आप बता दोगे ना क्या होगा, इंटीजर, तो एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीजर लेस देन इंटीजर प्लस 1, क्लियर है सबको, क्या इस वाले लाइन के ऊपर आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, और यहाँ पे देखिए बबल्स बना हुआ है, मतलब सर्कल है, और ये क्या आपका उसमें देखिए डार्क मुझे है, डार्क सर्कल टाइप का, मतलब ये पॉइंट है इस लाइन पे, लेकिन ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, इससे ऊपर इससे नीचे, पीछे देख लो ना ये वाला, आया समझ में, नहीं आया, वैल्यू रख लो भाई, 2 रख लो, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2,
तो टू पे देखो कहाँ पे पहुंच गए तुम, यहाँ पे। अरे नहीं आ रही है, चलिए अब शांत हो जाइए। इसमें ये जो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 प्लस 8.6 ठीक है ना, आप इसको क्या बताओगे, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 12.6 है, क्या इसका आंसर 12 आएगा। अगर कोई बच्चा कुछ ऐसा लिख दे यार इंटीजर जो है क्या ये इंटीजर है ना इंटीजर, बच्चा बोल रहे इंटीजर पार्ट को अपन इंटीजर जो उसको हटा देते हैं बाहर कर देते हैं ठीक है ना, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.6, क्या इसका वैल्यू 4 प्लस 8 यानी कि 12 आएगा। इससे भी सेम आया, इससे भी सेम आया, क्लियर ना। तो अगर अंदर इंटीजर होगा तो इंटीजर को अपन बाहर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके तो अब से अपन याद रखेंगे जब x प्लस इंटीजर तो क्या लिख दोगे, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस बाहर क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। ओके ऐसा तो नहीं है अगर ये प्लस में है या फिर माइनस में है उसमें तो बाहर निकाल देंगे तो सही है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं सोच रहा है, अगर 2 इंटू ऐसा बोल दीजिए 2 इंटू x है और इसमें हम लोग क्या कर दें 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या ये करना सही है, नहीं है, इसको लिखेंगे और ऐसे कट कर देंगे ठीक है ना। अब सोचिए आप थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर x इंटीजर होगा यहाँ पे x आपका इंटीजर होगा तब तो कर भी सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कभी करना ही नहीं है। जैसे आप सोचो 2 इंटू यहाँ पे लिखा है 0.7, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे 2 बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.7, 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 0 होता है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या ये गलत है। अब सोचिए अगर एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे होंगे तो 2 इंटू 0.7 जो है क्या इसको आप बोल सकते हो 1.4, अब 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा, तो हम लोग ये काम कभी नहीं करेंगे। ओके चलिए सेकेंड, अभी जो आपने सीखा है आपने मुझे बोला जो यार ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है आउटपुट हमेशा क्या आएगा इंटीजर आएगा, तो वो क्लियर है ना, तो वो क्लियर है। और आपने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर हो तो क्या इंटीजर बाहर हो जाएगा, ये पढ़ा है ना भी आपने, चलिए क्या ये जो है आपका इंटीजर है क्या, ये आपका इंटीजर है तो बताओ इंटीजर बाहर आ गया, इंटीजर जो है वो बाहर आ गया तो क्या बचाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्या ये 2 टाइम्स हो जाएगा, चलेगा। अब ध्यान से सोचिएगा आप मुझे बताइएगा, अगर मैं लिख दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6 इसका वैल्यू कितना आएगा 4, और मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6 वैल्यू क्या आएगा, ऐसा ही आएगा ना। अगर 3 बार लगा दें तो कोई वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं होगा, तो क्या इसके बेसिस में बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे चाहे तुम 100 टाइम्स लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ही आएगा, क्लियर ना। क्या इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6 के इक्वल ही है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, सबको आ रहा है ना, कौन सा ये। अच्छा ये बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर पे क्या इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होता है इंटीजर होता है,
आप सोच लो इसके प्लेस पे इंटीजर लिखा हुआ है, क्या इंटीजर बाहर हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ x, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ x हो जाएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान के चलो ये कुछ ऐसा होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यहाँ पे 3x प्लस ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ x होता और इसका ग्रेटेस्ट मेजर, क्या ये जो ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ x है ये आपका इंटीजर है? क्या इंटीजर बाहर आ जाएगा? तो अपन इसको क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या आप ऐसा लिखते हैं? कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना है। आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के अंदर ऐसा क्या हो जो बाहर सेम आ जाता है? इंटीजर तो, क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। ओके ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको यूज होगा, ध्यान रखना है अपने को। ओके अब इसमें हमने बोला दो पार्ट होगा भाई, एक तो अगर इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर कोई इंटीजर हो, इंटीजर के प्लेस में आप ले लो कुछ भी, एक्स इक्वल टू ले लो 4 ले लेते हैं, ठीक ना। अगर एक्स इक्वल टू 4 लेते हैं तो ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 4, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। बगल वाले का वैल्यू क्या होगा, कितना आया, 0। क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर देन इसका वैल्यू क्या होगा, 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग सेकेंड केस के बारे में बात कर लेते हैं, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कुछ भी रख लीजिए x का वैल्यू, बताइए x इक्वल्स टू अपन 4.9 रख लें चलेगा, तो अपने को क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ 4.9 प्लस माइनस 4.9, ऐसा होगा माइनस 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका ग्रेटेस्ट मेजर का वैल्यू देखिए कितना आएगा, इसका कितना आएगा, बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका 4-5, कितना माइनस 1 आएगा, क्लियर ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सबको आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब ना इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, अच्छे से समझेंगे, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए इधर, अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 1, हमने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो आपने x क्या बताया, आपने x बोला, जो x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2, यही बताओगे ना। जैसे मैंने बोला आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, उससे ग्रेटर इंटीजर होगा, यही बता रहे हो ना। तो मिनिमम क्या हो सकता है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1, तो क्या 1 आने के लिए x अपना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगर 1 टू 2 हो तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा। अगर 2 से ग्रेटर होगा, मतलब 2 टू 3 के बीच में हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 होगा, क्या तब भी 1 से ग्रेटर होगा, यानी कि x जो है वो अपना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, क्या ये सबको समझ में आया, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अगर मैं यहां से लिखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो आप बता सकते हो क्या लिखेंगे अपन, एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर इसमें हमने आपको बता दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, एनीथिंग क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीजर, इंटीजर ले लेते कोई सा भी,
तो क्या लिख दोगे? एनीथिंग क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीजर। क्लियर ना? इस बार देखिए राइट साइड में भी इंटीजर है ना, राइट साइड में इंटीजर। क्लियर सबको? कोई दिक्कत नहीं है? रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझना है। वन आ रहा था वन टू टू के बीच में, इसने बोला जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होना चाहिए, यानी कि एक्स आपका क्या होना चाहिए भाई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होना चाहिए। वन से टू के बीच में वन आएगा, टू टू थ्री के बीच में टू आएगा, इसने बोला है जो वन या तो वन हो या फिर वन से ग्रेटर हो, तो राइट आंसर बता सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ओके, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन, तो आपने बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लेस देन टू। आपसे पूछा गया ग्रेटर देन अगर वन हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो आपने बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। अब कुछ नया आ गया और आपसे पूछ लिया इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो क्या होना चाहिए आपका? वन होना चाहिए। क्लियर ना? तो बताइए मैक्सिमम वन होना चाहिए, तो वन के लिए एक्स आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है? टू हो सकता है, हो सकता है, मतलब टू एग्जैक्ट टू नहीं होगा, टू से छोटा होगा, नहीं? तो क्या इसमें आप बोल सकते हो एक्स लेस देन टू? अगर 2 से छोटा होगा तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूं अगर ये इंटीजर है, ये आपका इंटीजर है, तो क्या x आपका लेस देन n प्लस 1 होगा? मैंने बोला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको फील करना है जो क्या होना चाहिए। अब बताइए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा, सबसे पहले जो सोचोगे आप, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अगर 10 हो जाए तो क्या हो सकता है अपना x, यानी कि 11 से छोटा, बस सिंपल से सोच लिए, यहां से क्या हो सकता है? एनीथिंग लेस देन 11। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना? फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप सोचोगे और मुझे बताओगे, ध्यान से देखो। अभी आपने क्या बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा तो एनीथिंग क्या होगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा तो एनीथिंग क्या बताओगे आप? लेस देन 3 बताओगे। क्लियर ना? अब चलिए इसमें अगर आपसे बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मतलब एनीथिंग ग्रेटर देन 2, आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा क्या वो हमेशा इंटीजर होगा? होगा ना? तो क्या 2 से ग्रेटर अगर बात कर रहा है तो 2 में इक्वालिटी है? नहीं। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है? या तो 3 होगा या फिर 3 से ग्रेटर होगा। ये आप सब समझ पा रहे हो? यस सर। क्या 2 में इक्वालिटी है? नहीं। इसके मतलब 2 से ग्रेटर, तो 2 से अगला इंटीजर कौन सा है? 3। यही ना? यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है, तो या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 होगा या फिर 3 से ग्रेटर होगा। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो ग्रेटेस्ट, इसको मॉडिफाई किया, पहले लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, चलेगा? अब इसका वैल्यू अपने को पता है, इसमें एनीथिंग पे क्या कमेंट करोगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या ये सबको समझ में आ गया? कोई बच्चा है जिसको नहीं आया पूछो, बाहर पूछोगे नहीं बताऊंगा, अभी पूछ लो। सबको आ गया? पूछना है। अच्छा ये बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है क्या वो इंटीजर होता है? इसी वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या होता है? 2 तो नहीं हो सकता है, 2 से अगला इंटीजर पॉसिबल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3? ये दोनों सेम है? सेम है। तो क्या यहाँ से आप इसको सॉल्व करना है तो आपको पहले से पता है ये क्या हो जाएगा? एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, चलेगा? अच्छा कोई बच्चा अलग मान लो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, देखते हैं आप हो पाते हो कि नहीं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन 2.5 है,
ठीक है ना, या फिर ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन 2.99 है। क्या सेम होगा? क्या इसमें आप क्या बताओगे? क्या ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3? क्या इसे भी बताएंगे ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3? क्योंकि 2.99 तो ही नहीं पाएगा ना भाई, क्योंकि वो इंटीजर होगा। क्लियर ना? तो इससे अगला इंटीजर कौन सा है, मतलब इससे आगे कौन सा इंटीजर मिलेगा? ये 3 मिलेगा। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हो आप? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहां से क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या आपको रटना पड़ रहा है? नहीं ना, सिंपल है ना, सिंपल है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए भी, ये भी याद नहीं करना है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 3, आपने क्या बोला था? 3 कब आता है? जब 3 to 4। नहीं, अगर एनीथिंग अपना 4 से छोटा होगा तो क्या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3 या 3 से छोटा होगा? होगा ना। तो क्या एनीथिंग लेस देन 4 बताओगे आप? क्लियर है सबको? अब बताइए, अगर ये समझ में सबको आया ना, अगर लेस देन 5 है तो क्या बताओगे? लेस देन 6 चलेगा। अब चलिए ये इक्वालिटी ना लगा के हम लोग इनक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एनीथिंग लेस देन 6। क्या 6 पे इक्वालिटी है? उससे ज्यादा 6 से छोटा, तो 6 से जस्ट इधर आओगे तो क्या आपको कोई इंटीजर मिलेगा? 5। क्या 5 पे इक्वालिटी होल्ड करेगा? करेगा। तो क्या इसको अपन मॉडिफाई करके इस वाले को अपन बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 5, ऐसे बोल सकते हैं? तो यहां से आप क्या बोल दोगे? एनीथिंग क्या हो जाएगा आपका? लेस देन 6 हो जाएगा। क्लियर सबको? कोई दिक्कत है? नहीं भाई। अगर एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ एनीथिंग लेस देन 5.6, तो क्या 5.6 से छोटा कौन सा इंटीजर मिलेगा आपको? 5। तो क्या इसको मॉडिफाई करके अपन बोल सकते हैं यार ये तो कुछ ऐसा है, ऐसा है? क्या इसको लिख सकते हैं लेस देन 6? सबको आ गया? आ गया ना। अगर आ गया तो मेरे क्वेश्चन का आंसर फटाफट कर दीजिए। 3-4 पूछता हूं आपसे, देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन 10, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन 10.6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन -5.6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग लेस देन 6.6। चलिए पहला बताइए, एनीथिंग लेस देन 2 गई ना? एनीथिंग चलेगा? इससे बताइए 10 हो सकता है? नहीं। इससे अगला वाला कौन मिला? 11 मिला। तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 होगा? यस सर। इसके लिए एनीथिंग क्या हो जाएगा आपका? चलेगा। इसे बताइए क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? 11। तो एनीथिंग क्या हो जाएगा आपका? सिंपल ना। इसे बताइए क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। तो एनीथिंग क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। इसे बता दीजिए एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 6, और 6 से छोटा या 6 होने के लिए क्या होना चाहिए? लेस देन 7। सबको आ गया ना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए आ जाइए, अब वापस लौटते हैं। देखिए आप लोग डायरेक्ट सिर्फ लगा देते हो, सोचते नहीं कंडीशन। ध्यान से देखो, ये बच्चा सही आंसर किया है। क्या ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x है, इसमें आपने लिखा था इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर देन 0 होगा, और अगर इफ x does not belongs to integer वैल्यू क्या हो रहा था? -1। आपने दो पार्ट में बांटा ना इसको, दो केस लिया ना। ध्यान से देखिए आप,
केस वन, इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, आपने केस कंसीडर किया है जो आपका एक्स है वो क्या है, इंटीजर है. ओके, अगर एक्स इंटीजर है तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, जीरो, और राइट साइड में आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव. क्या ये x equals to minus b plus minus root d upon 2a से find कर पाओगे? तो x equals to क्या आ गया, minus b 5 plus minus root d, यानी कि 25 minus 20. क्या ये 5 upon 2, क्या इसमें irrational आ रहा है? आपने केस कंसीडर किया था, ये क्या होना चाहिए, so irrational इंटीजर होना चाहिए. क्या ये इंटीजर आ रहा है? नहीं ना. हमेशा सॉल्यूशन जो आता है, क्या अपन केस से इंटरसेक्शन लेते हैं, तो अपने को यहाँ से क्या मिला, इंटरसेक्शन से फाइव मिला. समझ में आया आपको? अब बताइए केस टू, केस टू जो होगा क्या लिखोगे, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर. अगर ऐसा हो तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट किसके इक्वल, माइनस वन के इक्वल. तो ये आ गया आपका माइनस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव. क्या आप लिख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ऐसा होगा. अब अगर इसका फैक्टर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो. क्या ये x का वैल्यू 2 आया और x का वैल्यू 3 आया, लेकिन आपने जो कंसीडर किया था वो क्या, नॉन इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो क्या आपने वो केस के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. तो अगर हम केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5. क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0. अब बताओ क्या ये टफ था, सोच सकते थे आप? नहीं, आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, जीरो दो सॉल्यूशन, माइनस वन दो सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन आ गए. अब बताइए इस वाले क्वेश्चन में अगर जरा सा भी कोई कंफ्यूजन है ना, ये माइनस एक्स से आप परेशान हो रहे हो, तो उसको एनीथिंग बोलो, खत्म करो. चलिए आ जाइए, तो हमने इसको लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग, आइए ग्रेटर देन माइनस टू एंड लेस देन 3.5. क्या ये कंडीशनल इनक्वालिटी है? Yes. है ना, कंडीशनल इनक्वालिटी मतलब आपको ये कंडीशन लगा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग इससे ग्रेटर होना चाहिए और इससे लेस होना चाहिए, यानी कि एंड वाली बातें आ रही है. ऐसा तीन ऑप्शन है, ये कंडीशन है भाई, ये इससे बड़ा होगा इससे छोटा तो होना ही चाहिए. नहीं, तो जब एंड वाली बातें हैं, कंडीशनल इनक्वालिटी है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आप लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन माइनस टू एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग लेस देन 3.5. क्या ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है. क्या आपने को इन दोनों को सॉल्व करना आता है, आता है. अब बताइए अगर माइनस टू से ग्रेटर बोला है तो क्या आप लिखोगे एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन. इसे बोला 3.5 से छोटा, क्या एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा, चलेगा? इसके बारे में बताइए, अगर ओपन करेंगे तो एनीथिंग क्या लिखोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन. इसको अगर ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, एनीथिंग लेस देन 4. अब एनीथिंग है आपका क्या, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनवैलिड का साइन चेंज होगा. क्लियर सबको? अब इसे बताइए क्या आप लिखोगे माइनस एक्स ग्रेट लेस देन 4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनवैलिड का साइन चेंज होगा. क्या बीच में एंड लगा हुआ है, एंड बोले तो इंटरसेक्शन. तो फाइनल आंसर क्या, ये फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड होगा, होगा ना, यानी कि x आपका कहां से कहां लाई करेगा भाई, माइनस 4 टू 1. क्या ये पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी कि आप लोगों का जो आंसर आया है वो सही है? अच्छा 2x प्लस 4 देख के थोड़ा सा परेशान हुए हो गए? नहीं, 4 एनीथिंग, आ जाओ एनीथिंग लिखो,
एक साथ ही करेंगे जो करना होगा, फोन को बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एनीथिंग के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है। कई कंडीशनल रिवैलिटी है क्या? तो क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 3। इसमें क्या हो जाएगा, एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, इसमें क्या होगा, एनीथिंग लेस देन 4। ऐसा ही होता है, एनीथिंग के प्लेस पे होता है क्या है आपका 2x + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो x क्या हो जाएगा, क्या ये -7/2 से ग्रेटर होगा? इसमें देखिए क्या ये 2x + 4 लेस देन 4 यानी कि x लेस देन 0। क्या फाइनल आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि बीच में लगा है एंड, कंडीशनल इनइक्वालिटी है। तो फाइनल आंसर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड x बिलोंग्स टू -7/2 to 0। कौन सा आंसर आया आपका, सी। तो क्या इसका करेक्ट आंसर सी यानी कि चेन्नई सही आंसर है आपका, सबसे सॉल्व हो गया था। हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते हैं इसको, सीखते हैं, बहुत अच्छा सा है ये, आगे कैलकुलस में यूज होगा और आप सबको पक्का समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान से सिर्फ इधर देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है, हमने आपको बोला था, देखो यार किसी भी नंबर को, कोई सा भी रियल नंबर है तो उसको अपन उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं, नहीं? तो यानी कि x इक्वल्स टू, x कोई नंबर है तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, चलेगा? जैसे मान के चलिए 4.6 है तो इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.6। यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6 से अपने को वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 4, ठीक है ना, और इधर से मिलेगा 0.6। तो देखिए क्या इस नंबर का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इस नंबर का ये फ्रैक्शनल पार्ट है, चलेगा? चलेगा। तो अब क्या इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ जो यार अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखना हो, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखना हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर का अपन फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड कर सकते हैं, नहीं? किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है भाई कैसे फाइंड किया जाता है, सीख चुके हैं अपन। तो अब यहाँ पे अगर मान के चलो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.9 चाहिए तो क्या लिखोगे, एक्स के प्लेस में क्या आया भाई, 4.9 आया, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.9, ये क्या होगा 4.9 माइनस 4, क्या मिला अपने को 0.9 मिला, चलेगा? अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें और आपको फाइंड करना हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.8, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, ओके, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.29, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4.2, ठीक है ना, इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है, ओके। तो चलिए यहाँ से, अब वैसे भी आप डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन एक बार चलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, नहीं? यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है आपका 3.2, तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2, तो ये आ गया आपका 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2, इसका वैल्यू तो ये तो 3.2 है, आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 3 क्या आया आपका। एक चीज देख पा रहे होगे, अगर अंदर में पॉजिटिव नंबर है
तो जो फ्रैक्शन के साथ है वही उसका फ्रैक्शन पार्ट है। तो अब बताइए इसमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? जीरो होगा, क्योंकि थ्री माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री, क्या जीरो आ जाएगा? ये सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये जीरो आ गया। चलिए पॉजिटिव वाला नंबर देख लेते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता दीजिए डायरेक्ट, 0.29। क्या आपने को पॉजिटिव वाले के बारे में पता चल गया? और हमने यहाँ पे देखा जो अगर इंटीजर आता है तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा? जीरो। चलेगा? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर होगा तो क्या लिखोगे? इंटीजर लिखोगे, बहुत बढ़िया। तो क्या जो अंदर में इंटीजर होगा वही बाहर आ जाएगा? ऐसा होगा नहीं? इसमें तो सबको क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग इसका फाइंड करते हैं, तो x के प्लेस पे क्या लिखा जाए? -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2। ओके, तो अब बताइए ये वाला क्या मिला? -3.2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -4। तो पहले से आगे में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? चलेगा। तो ये आ गया आपका +4, तो कितना आ गया? 0.8। अब तुम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से बताओ, जब ये -3.2 था तो आया क्या? 0.8 आया, ठीक है ना। अब बताइए अगर -3.8 है तो क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0.2 आएगा। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 आएगा। क्या ये सबको क्लियर है? चलिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4.2 क्या आएगा? 0.8 आएगा, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपका 0.8 आ गया, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, यानी कि हम लोग किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड कर सकते हैं, नहीं? चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके ग्राफ का, इसके रेंज का, इसके डोमेन का, नहीं? इससे बात करने से पहले हमें थोड़ा इसको डिफाइन करना तो आ गया भाई, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो किसके इक्वल होगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा होगा, चलेगा। और आपको क्या ये पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता है क्या वो चेंज होता है? जैसे 0 to 1 में आपने बताया 0, 1 to 2 में क्या बताया आपने? 1 बताया, ऐसा होगा। यानी कि ये वैल्यू तो चेंज होता रहेगा, x तो चलो वही जो है रखेंगे वो आएगा, नहीं? तो क्या इसको इंटरवल में अपने को डिफाइन करना चाहिए? मैं बोल सकता हूँ क्या इफ x, मतलब कुछ अपन देख लेते हैं कुछ इंटरवल में क्या आ रहा है, फिर उसी हिसाब जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा इसको, मैं बोलूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन -1। इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0। इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1। If x greater than equals to 1 less than 2, if x greater than equals to 2 less than 3, if x greater than equals to 3 less than 4, इतना से अपने को आइडिया लग जाएगा। अब इसमें बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? -2 से -1 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा। तो क्या यहाँ पे अपन -2 रखें, तो पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या इसमें बोल सकते हो आ जाएगा एक्स प्लस 2। ये सबको समझ में आया? इसमें बताइए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? -1। तो अगर यहाँ पे -1 रखेंगे आगे में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, तो क्या ये आपका एक्स प्लस 1 हो जाएगा? चलेगा। इसमें बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0, तो क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स मिलेगा? इसमें बता दीजिए 1, तो आप क्या लिख सकते हो? x माइनस 1 2, तो क्या ये x माइनस 2 होगा, और यहाँ से x माइनस 3। क्या अपने को लग रहा है जो यार ये इंटरवल में फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है ना? तो ये जो है वो पीस वाइज डिफाइन है, मतलब 0 टू 1 में अलग है, 1 टू 2 में अलग है, 2 टू 3 में अलग है, जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता था, चलेगा। ये भी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपको दिखेगा जो इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी आ रहा है,
मतलब अगर अपन ग्राफ पे पेन चलाएंगे तो हमें पेन को उठाना पड़ेगा। ओके चलिए इसके बेसिस पे अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके अभी आपने जो बताया है जो 0 to 1 में ये क्या होगा, 0 to 1 में, 0 to 1 में आपने क्या बताया, वाई इक्वल्स टू एक्स आएगा, सबको क्लियर है। तो यहां से 0 to 1 में आपने बता दिया ये वाई इक्वल्स टू एक्स, ये वाला जो है लाइन क्या ये वाई इक्वल्स टू एक्स वाला लाइन है, 0,0 से पास कर रहा है और 1,1 से पास कर रहा है, ठीक है ना। लाइन का इक्वेशन आपको लिखना आता है, लाइन का इक्वेशन जो आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। कुछ दिनों में अपने को ये बहुत सिंपल सा लगेगा लाइन का इक्वेशन सा लिखना, ठीक है ना, जब स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ेंगे तो। अभी मान लो जो ऐसा कुछ होता है, ऐसा क्यों होता है वो सब जानेंगे अपन, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बताया आपने, y इक्वल्स टू x बताया, बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x माइनस 1, क्लियर सबको। तो ये लाइन आ गया y इक्वल्स टू x माइनस 1, इस वाले लाइन का इक्वेशन बता दीजिए, बहुत बढ़िया, y इक्वल्स टू x माइनस 2। इससे पहले वाला जो था माइनस वन टू जीरो में आपने क्या बताया, x प्लस 1 बताया, क्लियर ना। तो यहां से अपन कह सकते हैं इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस 1, इसका बता दीजिए y इक्वल्स टू x प्लस 2, चलेगा क्या। आपने को दिख रहा है जो ये फंक्शन जो है वो उसका डेफिनेशन 0 टू 1 में अलग है, 1 टू 2 में अलग है, 2 टू 3 में अलग है, अपने को दिख रहा है ना। और हमें डिफाइन करना भी आ गया है, नहीं ये जो लाइन है y इक्वल्स टू x है और इस वाले को अगर इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करोगे तो कितना आएगा, x इंटरसेप्ट यानी कि y का वैल्यू 0, 0 करेंगे तो क्या ये 1 आएगा, देखिए 1 से पास कर रहा है 1,0 से। इसमें बताइए x इंटरसेप्ट अगर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, y को 0 रखो, x क्या मिला 2, क्या ये 2,0 से पास कर रहा है, पास कर रहा है, क्या ये सबको क्लियर है, चलेगा। अब बताइए ये जो y इक्वल्स टू x आया है ये अपने को कहां से कहां लेना है भाई, क्या ये 0 टू 1 में डिफाइन है, तो बताइए 0 पे क्या वैल्यू आया, 0, 1 पे अगर देखें तो ये 1 पे 1 आता है, लेकिन आपको पता है जो अगर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर आता है, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे गड्ढा कर दिया है, ठीक है ना। 1 पे क्या हो जाएगा, ये डार्क सर्कल है यानी कि 1 पे वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं क्लियर ना। अब अगर अपन बात करें 1 टू 2 में, क्या 1 टू 2 में ये वैल्यू आएगा y इक्वल्स टू x माइनस 1, चलेगा। अब आप इसका यूज देखो, एक अपन ऐसे ही छोटी सी बातें कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1.3 का अपने को फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, 1.3 का पता है आपको कितना होता है, 0.3। अब 1.3 का चाहिए तो क्या 1.3 पे क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे डिफाइन है y इक्वल्स टू x माइनस 1 से, है ना। तो अगर हमें इसमें ये जो y इक्वल्स टू x माइनस 1 है, अगर इसमें 1.3 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 0.3 मिलेगा, क्लियर ना। इसका यूज समझ में आया आपको, आया। अब इस वाले ग्राफ को देख रहे होगे तो क्या अपने को दिख रहा है जो ये पूरा फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है वो y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1 के बीच है, क्या ऐसा है, ऐसा है, मतलब पूरा ग्राफ इसके बीच में है, नहीं सबको समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। तो अब बताइए अगर पूरा ग्राफ इसके बीच में है तो क्या इसका रेंज जो होगा वो 0 to 1 होगा, और देखिए 1 पे हमेशा सर्कल बना है, 1 पे डार्क सर्कल नहीं है, 1 वैल्यू कभी नहीं आ रहा है, क्लियर ना। तो क्या इसके बेसिस पे अपन ये बता सकते हैं जो यार अगर हमसे पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या अपन बता सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 होगा, क्या आप ये पॉइंट बता सकते हो, चलेगा।
यानी कि अगर इसके बीच में है तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, क्या 0 to 1 होगा? होगा। क्या ये ग्राफ आपको दिख रहा है जो यार हमेशा हर एक पॉइंट पे डिफाइन है, तो इसका यानी कि पूरा x एक्सिस को कवर कर रहा है। अगर पूरा x एक्सिस को कवर कर रहा है तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसका आपने डोमेन बता दिया कितना, x बिलोंग्स टू r। अगर आपसे रेंज पूछा गया तो रेंज आपने बताया y belongs to 0 close 1 पे open, ठीक है ना, ऐसा है। अब इस ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से देखिए, क्या जैसा अपने को 0 to 1 में दिख रहा है, क्या as it is same 1 to 2 में दिख रहा है, as it is same 2 to 1 में दिख रहा है, ग्राफ में कोई चेंज है? जैसा 0 to 1 में मिला सिर्फ इसको देखिए, क्या वैसा ही 1 to 2 में मिला, 2 to 3 में मिला, क्या ऐसा है? तो यानी कि अपन देख पा रहे हैं ये ग्राफ जो है वो रिपीट कर रहा है वन इंटरवल के बाद। तो जो फंक्शन रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल पे उसको कहते हैं अपन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना, जिसके बारे में अपन फंक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या अपने को दिख रहा है जो ये पीरियोडिक फंक्शन है, एक पीरियड के बाद चीजें रिपीट हो रहा है, क्या ये सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? तो अब बताइए इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पीरियड को अपन टी से डिनोट करते हैं। क्या आपने को दिख रहा है यार ये वन इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है, क्या ये सबको क्लियर है, चलेगा? तो अपन कह सकते हैं जो इसका जो पीरियड है, पीरियड कितना है भाई, वन है, क्योंकि ये वन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं है। अपने को क्या क्या पता चला, इसका डोमेन पता चला क्या होता है, x belongs to r होगा, रेंज पता चला जो कि क्या होगा 0 to 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, नहीं? और अपने को क्या ये इंटरवल वाइज डिफाइन करना आ गया, क्या अपने को ग्राफ पता चल गया, ग्राफ इसका ऐसा होगा, क्लियर ना। पीरियड पता चल गया जो इसका पीरियड 1 है, 1 इंटरवल के बाद चीजें क्या होगा, रिपीट होगा, क्लियर सबको, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर अपन देखें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, हर एक इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, चलेगा। चलिए अब हमें ये सब जो है पॉइंट क्या अपन बता सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा आपने बताया, डोमेन r हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं इस वाले में, ध्यान से देखिएगा, एक चीज आप लोग को बताने वाला हूं जो कि सारे पीरियोडिक फंक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है ना। दुनिया भर में जितना भी पीरियोडिक फंक्शन है सबके लिए एक ही चीज रूल ये फॉलो होगा, ठीक है ना, सीख ले, मतलब पूरे मैथ्स 11th 12th में लाके अपन सीख रहे हैं ये वाला, बहुत सिंपल सा है। अगर आपसे बोला जाए जो यार हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 इसका सॉल्यूशन बताओ, ठीक है ना, 1/2 मतलब 0.5, तो अब आप बताओगे आप कैसे कैसे सोचोगे, ठीक है ना, पहले बच्चों टाइप से सोच लेते हैं। आप बताओगे सर अगर इसके अंदर 0.5 आ जाए तब भी ये 0.5 देगा, नहीं, अगर इसके अंदर 1.5 हो क्या तब भी ये 0.5 होगा, अगर इसके अंदर 2.5 हो तब भी 0.5 देगा, अगर इसके अंदर माइनस 1.5 हो तब भी क्या देगा, 0.5 देगा, मतलब ऐसा इनफाइनाइट नंबर होगा जिसमें इसका वैल्यू 0.5 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पीरियोडिक है ना, तो पीरियोडिक है इसीलिए आप पता कर बता पा रहे हो यार इसका इनफाइनाइट ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या हो, 0.5 हो, क्योंकि आप देख पा रहे 0.5 है उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.5 आया। अगर 1.5 है तो उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना है, 0.5 आया, 2.5 का भी, 3.5 का भी, सब का, ठीक है ना। अगर 100.5 के है तो उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 0.5 होगा, नहीं, चलिए बताएंगे आपको अभी, ये पार्ट सबको क्लियर है, चलेगा। तो यहां से सबसे पहले जब भी पीरियोडिक फंक्शन के हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं,
पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हम लोग सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, ये जो पढ़ने वाले हैं, ये जितना भी पीरियोडिक फंक्शन है आपके मैथ्स में, ये ना सब के लिए यही रूल फॉलो होगा। ओके, जैसे आप देखो, हमें अगर ये सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो क्या मैं बता सकता हूँ? ध्यान से देखिए, ये वाला ग्राफ है, आपका चेस देखना है, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, है ऐसा? अगर हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू हमने बोल दिया 1/2 या फिर 0.5 बोल दिया, जब आप सॉल्यूशन फाइंड करते थे तो आप क्या करते थे? अगर ग्राफ से अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्या लेफ्ट साइड में जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करते थे, राइट साइड वाले का ग्राफ ड्रॉ करते थे? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था क्या वही आपका सॉल्यूशन होता था? ये सबको याद है? तो अब बताइए, अगर लेफ्ट साइड वाला का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया? अब राइट साइड में क्या आपका, क्या ये अपन एक और ग्राफ ड्रॉ कर ले, y इक्वल्स टू 0.5 कर ले। अगर ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, क्या ये y इक्वल्स टू 0.5 स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो? नहीं, क्योंकि x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये y इक्वल्स टू 1/2 का ग्राफ आ गया। क्लियर ना? क्या अपने को दिख रहा है यार ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा? करेगा ना? तो अब सोचिए, यहां से ये जो कट किया है ये किस पे कट किया? 0.5 पे। ये जो कट किया है ये किस पे कट किया है? 1.5 पे। और ये क्या हो जाएगा? 2.5। और यहां से क्या होगा? -0.5। फिर क्या आएगा? -1.5। इस तरीके से आएगा। अब सोचो थोड़ा सा अच्छे से, शांत हो गए यार, अगर पीरियोडिक फंक्शन है, जैसा एक इंटरवल में होगा मतलब एक पीरियड में होगा, क्या वही कहानी रिपीट होता है अगले पीरियड में? वही सेम अगला में ऐसा होगा? जब हमें ये पता है पीरियोडिक फंक्शन है, चीजें रिपीट करेगा, तो क्यों ना हम एक इंटरवल में स्टडी कर लें और चीजों को जनरलाइज कर लें, ऐसा आप बोल सकते हो? हम सिर्फ स्टडी कर लेंगे एक पीरियड में, ओके? और यही अपन जनरलाइज कर देंगे तो आगे सब में आ जाएगा, ओके? ध्यान से इधर देखिए, बहुत सिंपल है, मजेदार है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पार्शियल सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे, ठीक है ना? पार्शियल सॉल्यूशन एक पीरियड में अपन जानना चाहते हैं इसका सॉल्यूशन, ओके? तो अब बताइए, अगर एक पीरियड में इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हो आप, तो एक पीरियड, इसका पीरियड कितना है? 1 है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ अपन 0 टू 1 में अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं? तो 0 टू 1 में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, क्या ये सबों क्लियर है? तो ये 0 टू 1 में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, चलेगा? अगर 0 टू 1 में देखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो कौन सा वाला होगा? y इक्वल्स टू एक्स वाला, चलेगा? हमने इस वाले में से, ये जो आपका ग्राफ है इसमें से इतना कट कर लिया, सिर्फ इसमें स्टडी कर लेते हैं, पार्शियल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और जनरलाइज कर लेंगे तो हमको सारे इंटरवल में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके? तो इस वाले में अगर हमें ये फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, हमें किसका सॉल्यूशन ढूंढना है? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 या फिर 0.5 का, यही करना है ना? तो हमने इसमें ग्राफ ड्रॉ किया, कौन सा वाला? y इक्वल्स टू 0.5। तो क्या अपने को सॉल्यूशन मिला यहाँ पे कितना? x इक्वल्स टू 0.5। इसको समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? पूछो अगर है तो। सबको आ गया? तो यहाँ पे हमें जो पार्शियल सॉल्यूशन इसका मिला, यानी कि हम लोग पता है भाई इसका पीरियड 1 है, तो हम लोग सिर्फ एक इंटरवल मतलब 0 टू 1 में हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, ओके? तो इसका पार्शियल सॉल्यूशन क्या मिलेगा अपने को? क्या ये x इक्वल्स टू 0.5 मिला? इसको बोलने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है।
अब चलिए जनरल सॉल्यूशन जो होगा मतलब सारे ग्राफ के लिए मतलब सारे पीरियोडिक फंक्शन के लिए जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा x इक्वल्स टू n इनटू t प्लस पार्शियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये अपने को कभी नहीं भूलना है, ये आपको बहुत यूज आएगा। अब इसमें देखिए n आपका क्या है, तो n आपका इंटीजर है, ठीक है ना। और t क्या है आपका, t आपका पीरियड है, चलेगा। तो अब अगर अपन फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट में आप मुझे ये बताइए जो इसका t क्या है, 1 है और n तो है इंटीजर है, क्या हमें पार्शियल सॉल्यूशन मिला। पार्शियल सॉल्यूशन क्या है आपका, 0.5 है, क्लियर ना सबको। तो क्या इसका अपन जनरल सॉल्यूशन बता सकते हैं, क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू एन टी, टी कितना है भाई इसका, 1 है, प्लस क्या लिख देंगे पार्शियल सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू एन प्लस 0.5 और यहां पे n आपका क्या है, इंटीजर है, क्या ये आपको मिला, सिंपल सा है ना। तो जो इससे अपन पूरा मैथ्स का जितना भी पीरियोडिक फंक्शन है सबको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर n का वैल्यू 0 होगा तो पहला सॉल्यूशन क्या मिला, 0.5। अगर n का वैल्यू -1 हो जाए क्या मिला, -0.5। n का वैल्यू -2 ले लो, -1.5, क्या उसका भी फ्रैक्शन पार्ट 0.5 है। n का वैल्यू 1 ले लो, 1.5, क्या आपको दिख रहा है जो सारा वैल्यू कवर कर लिया इसने, सिंपल ना। अब चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लें, चलो फ्रैक्शन पार्ट से हट के दूसरा पीरियोडिक फंक्शन देख लेते हैं, आपको ऐसा तो एहसास हो ना जो सबके लिए वैलिड है ये, नहीं। आ जाइए हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 का, ठीक है ना। क्या आपको साइन एक्स के बारे में पता है, साइन एक फंक्शन होता है ना, एक्स साइन, यही पता है ना, वैल्यू वैल्यू पता है आप लोगों, काफी है यार। तो चलिए 1/2 जो होता है, ऐसे साइन एक्स का ग्राफ भी बताया आप लोगों, बताया गया था लेकिन आप याद नहीं रखते हो, याद भी है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ दिनों में अपन इसमें प्रो हो जाएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, तो अभी देखते हैं क्या साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है लहराते हुए, नहीं। अच्छा गाना सुने हो तुम लोग, लहरा के बलखा के, ये वाला होगा। तो ये किसका ग्राफ है भाई, y plus 2 साइन x का, चलेगा। अच्छा ये बताइए साइन x जो होता है क्या वो n पाई पे 0 वैल्यू देता है, n पाई मतलब 0 पे 0 देता है, पाई पे 0 देता है, 2 पाई पे 0 देता है, 3 पाई पे 0 देता है, ये सबको पता है, पता है। तो अब ये जो x एक्सिस को जहां पे कट किया है वो x एक्सिस को कट करने का मतलब वहां पे y क्या है उसका, 0 है, वहां पे साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अब ये बताइए क्या ये 0 पॉइंट होगा, ये वाला क्या होगा आपका, पाई होगा, ये वाला आपका क्या होगा, 2 पाई होगा, ये आप आ गया 3 पाई, 4 पाई, इधर आप बता दोगे माइनस पाई, माइनस 2 पाई और माइनस 3 पाई। अब आप एक अच्छे ऑब्जर्वर की तरह इसको देखिए, क्या ये ग्राफ जो है जैसा 0 टू 2 पाई में है क्या वैसा ही 2 पाई टू 4 पाई में है, क्या वैसा ही माइनस 2 पाई टू 0 में है, ऐसा दिख रहा है आप सबको, सबको दिख रहा है, क्लियर है। तो क्या अपन कह सकते हैं जो भाई इसका जो पीरियड है वो कितना होगा, 2 पाई होगा, क्योंकि अगले 2 पाई में भी क्या सेम ग्राफ है, बताइए। आप लोगों को तो देखना अच्छे से आता है ना, बस मैथ्स देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं बाकी आप लोग अच्छे से देखते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब हमारा काम पहला क्या होगा भाई, पार्शियल सॉल्यूशन ढूंढना, नहीं। तो पार्शियल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवल में अपन बात कर लेंगे, यानी कि एक पीरियड में बात कर लेंगे,
तो एक पीरियड में अगर बात करोगे तो क्या 0 टू 2 पाई में कर ले तो सही है? तो चलिए 0 टू 2 पाई में बात कर लेते हैं। तो क्या ये जो है ग्राफ 0 टू 2 पाई वाला है? चलेगा? हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से 2 पाई में देख लेते हैं जो भाई 1/2 कब दे रहा है। ओके, अब क्या करें, किया जाए क्या, y = 1/2 लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। तो क्या ये वाला लाइन जो है y = 1/2 है? यहां तक सब वो क्लियर है? अब बताइए साइन जो है 1/2 कब देगा 0 से 2 पाई में? क्या ये पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री पे 1/2 देता है? देता है। क्या 150 पे भी 1/2 देता है? यानी कि इस वाले को बोल सकते हो आप 5 पाई बाय 6। ये सबको क्लियर है ना? सबको पता है ना साइन पाई बाय 6 पे वैल्यू क्या देता है, 1/2। क्या साइन 150 पे कितना वैल्यू देता है, 1/2 देता है। तो क्या अपने को 0 टू 2 पाई में दो सॉल्यूशन मिला। तो अपन कह सकते हैं जो इसका जो पार्शियल सॉल्यूशन आएगा, क्या इसका पार्शियल सॉल्यूशन अपने को मिलेगा x = π/6 और x = 5π/6। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है, चलेगा ना? क्योंकि पार्शियल सॉल्यूशन अपने को कहां से कहां ढूंढना है, 0 टू 2 पाई में ढूंढना है। क्यों 0 टू 2 पाई में देख रहे हैं, क्योंकि इसका पीरियड जो है वो क्या है भाई, 2 पाई है। तो यानी कि 0 टू 2 पाई में अगर अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि पार्शियल सॉल्यूशन मिला, क्या उसी को जनरलाइज कर लिया जाए, कर लिया जाए। तो यहां से अब हमें अगर जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है इसका, तो क्या जनरल सॉल्यूशन के लिए आप क्या बताते हो, क्या ये x = nt + partial solution, क्या ऐसा होगा? इसमें t बताइए कितना हो जाएगा, 2 पाई। n अपने को पता है क्या भाई, अपना इंटीजर है, क्लियर ना? तो अब यहां से आ जाते हैं हम लोग इसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या वो x = 2nπ + π/6 और x = 2nπ + 5π/6, क्या यही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर? क्या आपको मिला ये, कोई कंफ्यूजन है? अब आप वेरीफाई भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। अब बताइए इसमें n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, π/6 5π/6। अगर n का वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये वाला जो आपका क्या है 2π + π/6 और अगला वाला क्या हो जाएगा 2π + 5π/6। क्या ऐसे ही अगला मिलेगा, जब n का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे तो 4π + π/6 और 4π + 5π/6। क्या ये सबको समझ में आ गया? जितना भी पीरियोडिक फंक्शन है उसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना चाहिए भाई, पहले अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, उसका पीरियड। पीरियड पता चल गया तो क्या अपन पार्शियल सॉल्यूशन बता देंगे। अगर पार्शियल सॉल्यूशन पता चल गया तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, nt + partial solution, जहां पे n आपका क्या है, इंटीजर है, और t आपका क्या है, पीरियड है। ये सब वो पता चल गया ना? अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे अब पूछना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, फटाफट आंसर बताइए, क्योंकि अपन फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, वापस लौट जाते हैं उसमें। अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = यहाँ पे 1/3, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 2/3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 0.54, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 1/3 हो गया, चल लिख लो 4/5। इन सब का अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? क्या 0 टू 1 में 1 में पार्शियल सॉल्यूशन मिल जाएगा? और पार्शियल सॉल्यूशन आपको पता है जो इसका पार्शियल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x = 1/3 ही मिलेगा, क्योंकि y = x लाइन ही तो था। तो जो इनपुट रखोगे वही सेम क्या होगा आपका, आउटपुट होगा। क्या ये सब क्लियर है?
इससे बताइए इसका पार्शियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या ये x इक्वल टू 2/3 होगा, ऐसा होगा। इसे बताइए पार्शियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या ये x इक्वल टू इंटीजर होगा, और x इक्वल टू इंटीजर होगा तो इसमें x इक्वल टू क्या 0 मिलेगा, चलेगा। इसे बताइए पार्शियल सॉल्यूशन आपको क्या मिला, x इक्वल टू 0.54। इसमें बताइए पार्शियल सॉल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू 4/5। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने को क्या बात कर लेना भाई, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या जनरल सॉल्यूशन अपन बता पाएंगे, बताओ यार, बता पाएंगे हम लोग? तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, क्या जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है x इक्वल्स टू एन टी प्लस पार्शियल सॉल्यूशन। क्या अपने को सबका पीरियड पता है कितना है, 1 है। तो अगर एन टी लिखेंगे तो एन टी के प्लेस पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो क्या इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू एन प्लस 1/3, x इक्वल टू एन प्लस 2/3, x इक्वल टू एन प्लस 0। तो क्या ये आपको पता चला, एन प्लस 0 लिखोगे तो ये क्या एन इंटीजर ही तो आ रहा है आपका, सारे इंटीजर पे क्या होगा वैल्यू 0 होगा। इसे बताइए x इक्वल टू क्या लिख दोगे, एन प्लस 0.54। इसमें क्या आ जाएगा भाई, x इक्वल टू एन प्लस 4/5, जहां पे n आपका क्या है, इंटीजर है। क्या ये पार्ट सबको समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलिए आ जाइए इसको देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अपने को कैसे सॉल्व करना चाहिए, स्टेप वाइज सीखेंगे। एक मैं सिखाऊंगा, दूसरा आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को देखो x भी दे रखा है, फ्रैक्शन पार्ट भी दे रखा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दे रखा है, ऐसा ही है ना। तो हमारा मोटिव क्या होता है ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिखना है। मतलब फ्रैक्शन पार्ट जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाए। तो उसके लिए पहला काम, ये जो x है, x को हटा के मतलब पूरे को इक्वेशन को हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना है, ओके। तो आपको तो पता है भाई एक्स किसके इक्वल होता है, किसी भी नंबर को अपन उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या ये सबको पता है, लिख सकते हैं। तो हमें जो इक्वेशन गिवेन है, इक्वेशन आपका क्या है, क्या ये एक्स इक्वल्स टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, यही है ना। पहला स्टेप क्या होगा अपना, क्या इस x को हटा के अपन लिख ले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसा लिख लिया जाए। तो स्टेप 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहां से आया अपना स्टेप 1। तो अगर इसके प्लेस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू, क्या ये 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या आप ऐसा लिख दोगे, चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को किसके टर्म्स में लिखना है अपने को, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में, नहीं। तो अब बताइए फ्रैक्शनल पार्ट कितना है टोटल, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस वाले को इधर भेज दो तो कितना होगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा लिख दिया जाए, कोई दिक्कत है इसमें। क्या यहां से अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख सकते हैं, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या स्टेप 1 सबको समझ में आया, स्टेप 1 में हमने क्या किया, जो भी था उन सब पूरे इक्वेशन को अपने फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख लिया। फिर क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख लेंगे, सिंपल ना। अब चलिए स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं हम लोग। आप मुझे ये बताओ, क्या ये सबको पता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 होता है, ये अपन यूज करने वाले हैं, ओके।
यहां से फ्रैक्शनल पार्ट के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दिया जाए, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, ऐसा होगा। अब यहां से अगर सिंपलीफाई करें तो क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? कर देते हैं, ये समझ में आया सबको? अपने को पता है हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग कुछ भी हो अंदर में क्या वो हमेशा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा, सबको आता है ये? तो हमने लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, क्या फ्रैक्शनल पार्ट के प्लेस पे ये वाला लिखा हुआ ये लिख दे। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता करना है भाई, तो यहां से बताइए अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 0 इधर 2 और इधर क्या आ जाएगा 3। अब क्या किया जाए, अगर हमें सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालना हो तो क्या अपन 2 से डिवाइड कर दें? कर देते हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 इधर क्या आ जाएगा 3/2। क्या ये सेकेंड स्टेप भी आपको समझ में आ गया? पहला में हमने क्या किया, जो पूरे इक्वेशन में जो x है ग्रेटेस्ट इंटीजर है फ्रैक्शन पार्ट है उसको कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन पार्ट में एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है ना। फिर फ्रैक्शन पार्ट को लिख लेना है किसके टर्म्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में। फिर अपन एक प्रॉपर्टी का फायदा उठाएंगे जो यार फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1 होता है। अब फ्रैक्शन पार्ट के प्लेस पे हमने ये वाला लिख दिया क्योंकि इसको इसके टर्म में लिखे हैं, सॉल्व कर लिए, यहां तक पहुंच गया। ये बताइए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होता है? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है? नहीं हो सकता है, हमेशा क्या होगा इंटीजर होगा, क्लियर ना। तो अगर इसने बोला है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 3/2, तो इसके बेसिस से बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आप क्या कमेंट करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या हो सकता है 0 और 1 हो सकता है क्योंकि इसके बीच में दो ही इंटीजर है, ऐसा है ना। या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा अपना 0 होगा या फिर 1 होगा क्योंकि दो ही इंटीजर लाई कर रहा है इसके बीच में, क्लियर है सबको। अगर 0 होगा और हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, 2/3 इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल है, तो यहां से हमें चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x चाहिए, ये किसके इक्वल है 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो बताइए 2/3 इनटू 0 तो क्या आ गया आपका 0। इधर बताइए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू आप क्या बता दोगे, 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो क्या ये 2/3 इंटू 1, 2/3 आया। हमें यहां पे जो चाहिए इसका सॉल्यूशन चाहिए यानी कि x का वैल्यू चाहिए ना आपको, तो x किसके इक्वल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसी के इक्वल होता है ना। तो अब हमें अगर x चाहिए तो क्या x हमें मिलेगा, यहां से x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्या ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या ये 0 प्लस 0 कितना आएगा 0, इसमें बता दीजिए। क्या आप लिख दोगे यहां से x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या ये 1 प्लस 2/3 यानी कि 5/3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला है वो आंसर क्या है आपका, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5/3। अब मैच कीजिए कौन सा करेक्ट होगा, इंटीजर है दोनों, नहीं इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इंटीजर नहीं है, वन इंटीग्रल एंड वन नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या ये वाला करेक्ट है? एक बार फिर से देख ले कैसे कैसे किए थे अपन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमें x का वैल्यू फाइंड करना हो तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में सिर्फ अपने को फ्रैक्शनल पार्ट दिखना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो x था उस x को अपन कन्वर्ट कर दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसके बाद सॉल्व करके क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को अपन लिख लेंगे किसके टर्म्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में। अब हमें ये वाला प्रॉपर्टी पता है भाई, ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन वन होता है। क्या इसका वैल्यू उठाएंगे और यहां पे रख देंगे, ऐसा होगा? तो क्या अपन इसमें कह सकते हैं, ये अगर हमें सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट ऐसा भी कह सकते हो, जो 2/3 से डिवाइड कर लो, पूरा 2/3 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या ऐसा मिलेगा अपने को? अब यहाँ पे आपने थोड़ा सोचा, जो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो तो हमेशा इंटीजर होता है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 to 3/2 है तो इसके बीच क्या दो ही इंटीजर आ रहा है, एक इंटीजर क्या होगा 0 होगा, दूसरा क्या होगा 1 होगा। जैसे अपने को मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है, तो क्या आप फ्रैक्शन पार्ट बता पाएंगे इसमें रख के? तो वो भी 0 आया। और एक्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या आपने को इसका वैल्यू 0 मिला? इसमें बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 लेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या होगा 2/3, एक्स क्या होगा इन दोनों का सम आ गया 5/3, यानी कि सॉल्यूशन मिला 0 और 5/3, एक इंटीजर मिला दूसरा नॉन इंटीजर मिला, तो क्या बी ऑप्शन करेक्ट हुआ? आप सबको समझ में आ गया स्टेप वाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से। इसमें देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे 2x है, क्या x को अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख ले? तो पहला काम जो आप करोगे, आपको पता है x इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या स्टेप वन अपन बात कर ले, क्या इसको अपन फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख ले? तो यहाँ पे क्या होगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 1। ये काम तो सबने किया होगा ना। अब देखिए तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 4, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को उधर भेज देते तो क्या होगा 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो बताइए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 4। स्टेप वन अपना कंप्लीट हो गया। स्टेप टू में क्या किया जाए, क्या हमें ये पता है क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 होता है? ऐसा इसके बेसिस पे ध्यान से देखिएगा, इधर क्या मैं लिख सकता हूँ 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, ऐसा होगा? ऐसा होगा। क्या हमें यहाँ से क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालना है? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंसा हुआ है, निकाला जाए, इसको सिंप्लीफाई किया जाए? तो पहला काम क्या होगा आपका, क्या 4 से मल्टीप्लाई कर ले? अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या होगा 0, इधर 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 आ जाएगा। क्लियर ना? किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे इनक्वालिटी के साइन पे कोई फल नहीं पड़ेगा, चाहे इनक्वालिटी में अपन सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। क्या इसमें -1 कर दिया जाए पूरे में, -1 करेंगे इधर क्या होगा -1, इधर क्या होगा -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इधर क्या आएगा 3। अब बताइए क्या आप इस वाले में -5 से अगर डिवाइड करोगे, यानी कि नेगेटिव से आप डिवाइड कर रहे हो, इनक्वालिटी का साइन पलटेगा? पलट दिया जाए तो हमने क्या किया -5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या ये ऐसे पलटा, इधर से इधर पलटा -1 / -5, ये भी क्या होगा -3/5 चलेगा। तो क्या अब आप बोल सकते हो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा वो ग्रेटर देन -3/5 लेस देन इक्वल्स टू 1/5। इसके बीच में क्या एक लौता इंटीजर है, कौन सा है वो, 0 है। क्या इसके बीच में सिर्फ एक इंटीजर दिख रहा है अपने को, क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब बताइए फ्रैक्शनल पार्ट जो है आपका वो किसके इक्वल है, क्या ये 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन क्या है भाई आपका 4 है,
क्या इसमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जीरो रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 1/4 आएगा। और x किसके इक्वल होता है? सॉल्यूशन जो होगा, क्या ये इन दोनों का सम होगा? तो कितना आ गया? 0 + 1/4, यानी कि x इक्वल्स टू 1/4। लगभग सबका आंसर सही है, तो b ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिंपल है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, आज फ्रिक्शन खत्म ही कर देता हूं यार, बहुत हो गया। चलिए आ जाइए, देखिए ये ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। तो क्या यहाँ पे ऊपर वाला जो ब्लॉक पे है उस पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? नीचे पे भी लगेगा। किस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? हमने बोला फ्रिक्शन क्या है, लविंग टाइप फोर्स है, मतलब एक दूसरे से जुदा होना नहीं चाहता है, ठीक है ना। अगर ये ब्लॉक आगे मूव करेगा तो ये क्या चाहेगा, इसको अपने साथ ले जाना? नहीं, बताओ यार। एक ब्लॉक ये ले लो, दूसरा ब्लॉक ये ले लो, तुम लोग तब ज्यादा अच्छे समझोगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर ये आगे मूव कर रहा है तो ये चाहेगा ना इस वाले को भी साथ ले चले, तो साथ कब ले जा सकता है? जब नीचे वाले में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगे? आगे लगे। नहीं, अब सोचो ये रुका हुआ है और चाहता है एक दूसरे से जुदा नहीं होना, तो अगर ये आगे मूव कर रहा है तो ये क्या चाहेगा, ये वाला क्या हो, इसके साथ रहे, रुके? नहीं, तो ऊपर वाले में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? कदम सब पे यही कहानी होगा। आप ये याद रखना, इस कॉन्सेप्ट से चलोगे हमेशा फ्रिक्शन फोर्स सही डायरेक्शन में आप लगाओगे। बताओ, इतना बुरा फ्रिक्शन फोर्स जो एक कंप्लीट चैप्टर होता है वो अपन 2 मिनट में खत्म कर दिए। नहीं, मॉडर्न फिजिक्स भी खत्म करना है, वो 12 में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, वापस आ जाइए, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपका ये जो मैथ्स है, आपका मैथ्स पीछे चल रहा था और फिजिक्स जो है सेपी थर्ड में थोड़ा पीछे चल रहा था, इसीलिए हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, जिससे थोड़ा आपको लाएं अपन ट्रैक पे। नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें अपने को अगर सॉल्व करना है तो क्या क्या गिवन है, बोला है इफ वाई, ठीक है ना, वाई दिया हुआ है और अपने को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा सोचोगे, इसमें सोचो y जो है क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, तो क्या y आपका इंटीजर होगा? y अपना इंटीजर होगा, ये सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो। तो y अपना जो है वो है इंटीजर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर होता है तो क्या उसको बाहर कर देते हैं? तो अगर इसको बाहर कर देंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, चलेगा, क्लियर है। तो अब हमें यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फाइंड करना है। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपन इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल्स टू इसके है, तो ये तो गिवन इसलिए है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपन फाइंड कर सके, क्लियर ना। तो अब चलिए हम दोनों इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो ये क्या होगा, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। अब बताओ इसको 2 को भूल जाओ, क्या ये x प्लस 4 है, 4 आपका इंटीजर है, क्या इंटीजर को अपन बाहर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 8 होगा। इस वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब बताइए यहाँ पे 2 है, ये 3 है, एक साइड लाएंगे तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बचेगा, और इधर कितना होगा, 6। क्या आपने वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू मिला? मिल गया। अब चलिए हमें क्या चाहिए भाई, y का वैल्यू चाहिए, तो y अपन यहां से फाइंड कर लें, क्योंकि y जो है वो किसके इक्वल है, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 के इक्वल है। क्या ऐसा है, यहां पे अगर 6 रखेंगे तो ये कितना होगा, 3 × 6 + 2, क्या ये 20 आएगा,
चलेगा। तो अब बताइए, सब कुछ आपको पता है, ग्रेटेस्ट यूनियन ऑफ एक्स 6, वाई का वैल्यू कितना आ गया 26, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सोचिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट यूनियन ऑफ थ्री एक्स, यही फाइंड करना है ना। अब सबसे पहले वो ग्रेटेस्ट यूनियन ऑफ थ्री एक्स क्या इससे अपने को मिलेगा, यही से अपन एक्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले को लिख लिया यहाँ पे 2x-1=3 ग्रेटेस्ट यूनियन ऑफ x-6। सबको ध्यान से देखना है, इसमें सोचो क्या माइनस वन आपका इंटीजर है, बाहर हो जाएगा। क्या इसमें -6 आपका इंटीजर है, बाहर हो जाएगा, कर दिया जाए। तो ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x-1=3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-18। ठीक है ना, सबको इधर देखना है, लिखने का बाद में मौका मिलेगा आपको। ये वाला पार्ट यहां से सबको क्लियर है। अब अगर देखें तो क्या ये आपको मिलेगा 2x=3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-17। अब क्या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा है जो यार ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो 2 को बाहर कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे ना बिल्कुल भी, नहीं सोच रहे। अगर सोच रहा है तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था अगर 2 × 0.7 है, ठीक है ना, तो अगर 2 और 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है तो करना अपना गलत है। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x है, रिलेट नहीं कर पा रहे। क्या दुनिया भर में कोई सा भी रियल नंबर होगा, क्या उसको अपन फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई सा भी नंबर हो, अभी तो पढ़े हैं अपन। तो हमने क्या बोला, जो x क्या होगा, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा। इस x के प्लेस पे यहाँ पे जो 2x है उसके प्लेस पे अगर लिखना चाहेंगे तो क्या, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, चलेगा। इक्वल्स टू अपन क्या लिख देंगे, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-17। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन है तो। हमने क्या किया, क्योंकि दुनिया भर में कोई सा भी नंबर हो रियल नंबर तो क्या उसको अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं, तो हमने लिख दिया x = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, चलेगा। तो अगर 2x के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो उस वाले आइटम को अपन यहाँ पे रख दिए, क्लियर है, चलेगा। अच्छा ये बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या इंटीजर है? अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो इंटीजर रहेगा? इंटीजर रहेगा। तो क्या आप इसमें ये बता सकते हो यार ये वाला तो इंटीजर ही है, क्या ये आपका इंटीजर है? तो अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो क्या अपन उसको बॉक्स के बाहर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तो हमने इसको बाहर कर दिया। तो अब सोचिए क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-17। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको आ रहा है, चलिए। इसके बाद अगर इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, क्या आप बोल सकते हो यहां से मिला अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-17, क्लियर ना? अच्छा ये बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है अपना वो कहां से कहां तक होता है? क्योंकि यहां पे अगर अपन देखें इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या सोचा यार, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग जो होता है क्या वो 0 to 1 होगा? होगा। अब अगर बात करें 2 × फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा क्या वो 0 to 2 होगा?
चलेगा। अगर आपसे पूछा जाता तो यार अगर तुम्हें इसका वैल्यू पता चल गया तो क्या तुम कह सकते हो टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया तो जीरो होगा या फिर वन होगा, क्या ये बात कह पाओगे आप? इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा या फिर वन होगा, क्लियर सबको? अब बताइए ये वन कब होगा और जीरो कब होगा? ये तो जीरो तब होगा ना जब टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जो होगा, टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा क्या वो ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन होगा, और यहाँ पे वन तब हो सकता है जब टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन लेस देन टू होगा, क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए अच्छे से, चलेगा? अब बताइए यहां से अगर बात करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा आपका? ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन बाई टू। इससे बताइए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाई टू लेस देन वन। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तो हमने क्या किया, ध्यान से आपको देखना है, इस स्लाइड से नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या मिला, दो बातें मिली हैं। एक तो आपने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन वन बाय टू, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाय टू लेस देन वन। तो यहां से आपने बताया जो अगर ये ऐसा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना बताया आपने? जीरो बताया। इसमें आपने क्या बताया, टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन बताया। क्या हमने इसी को लिखा है? चलेगा? कोई दिक्कत है? देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, यहां तक आप पहुंच गए ना, यहां तक पहुंचे तो अपने को मिला टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में पता है भाई वो ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन वन। अगर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन टू, ऐसा होगा? तो अब अगर अपना ये वाला पार्ट जीरो टू टू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है। तो एक हमने बोल दिया जीरो ये वन, तो आपने जीरो कब बोला, जब इस वाले पार्ट का वैल्यू जीरो टू वन होगा तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होगा, और वन कब होगा जब इसका वैल्यू वन टू टू हो, क्लियर ना? अगर मैं टू से डिवाइड कर दूंगा तो क्या ऐसा रिलेशन मिलेगा, इससे ये मिल गया और इससे ये मिल गया, चलेगा? सिंपल ना? तो यहां से आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखना है आपको। अब चलिए हम लोग जो वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो वैल्यू फाइंड कर रहे थे इस वाले का, ठीक है ना, यानी कि टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 17। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 17, यही था ना? तो अब मुझे ये बताइए यहां से आपका ये वाला पार्ट अगर जीरो है तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 होगा। अगर इसका वैल्यू 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 17, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, 18, क्लियर ना? अब इसमें देखिए y आपका किसके इक्वल है, y जो है वो आपका किसके इक्वल है, अगर हम लोग यहां से देखें तो क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 18, क्या यही आपका y है, है ना? अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू पता चल गया तो क्या y पता चल जाएगा, y इक्वल्स टू क्या लिख देंगे अपन, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 18, y इक्वल्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 18, क्लियर ना?
अब इसका वैल्यू अगर 17 रखोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 17 माइनस 18 33 आ रहा है। और यहां से बताइए क्या ये 3 इंटू 18 माइनस 18 क्या ये 36 आ रहा है। यहां तक सबको क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, चलेगा। अब सोचिए हमें y का वैल्यू तो मिला लेकिन हमें चाहिए तो कुछ और था ना, हमें जो चाहिए इसका वैल्यू चाहिए। इसमें आपने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस y लिखा है, ठीक है ना, यही लिखा है ना। इसमें भी x के बारे में अपने को पता नहीं है भाई, x क्या है नहीं है, ऐसा भी तो नहीं 3 को बाहर कर दे, 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन x को अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख सकते हैं, नहीं क्या हमें यहां भी वही काम करना चाहिए। अगर वैसा लिखेंगे तो क्या ये अपने को मिलेगा, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y। बताइए कोई प्रॉब्लम है, x को आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हमने बोला ये एडवांस लेवल का है, एडवांस में भी बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब बताइए ये वाला पार्ट इंटीजर है तो इंटीजर है तो बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो क्या ये मिला आपको, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस y। क्या हमें इसका वैल्यू ही फाइंड करना है, चलेगा, इसी का वैल्यू फाइंड करना है ना अपने को, यही तो आपका इसके इक्वल आया है, ठीक है। अब चलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपने बोला भाई फ्रैक्शन ये जो आया है आपका, आपने बोला फ्रैक्शनल पार्ट जो है आपका 0 टू 1 बाय 2 है, इसमें बोला फ्रैक्शनल पार्ट जो है 1 बाय 2 टू 1 है, क्लियर ना। अब चलिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है, एक तो आपने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 बाय 2, इसमें आपने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय 2 लेस देन 1, क्लियर है। इस वाले में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना मिला, 17, और y का वैल्यू कितना मिला, 33। इस वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या मिला, 18, y का वैल्यू क्या मिला, 36। हमें क्या करना है भाई, हमें ये फाइंड करना है, क्लियर ना। लेकिन सोचिए इसके यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है अपने को, नहीं यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब चलिए अगर हमें ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 टू हाफ है तो 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 बाय 2 ऐसा होगा। इधर बताइए 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बाय 2 लेस देन 3 चलेगा। अब अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो 0 और 1 आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, समझ में आई बात है। यानी कि यहां से भी दो ब्रांच आएगा, अभी सब कुछ आपको क्लियर होगा, ध्यान से बस देखते चलिए, इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक पूरा अच्छे से आनंद जाए, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ये क्या होगा, 0 हो सकता है, और 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, चलेगा। और यहां पे अपन बता सकते हैं 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पॉसिबल है, और 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पॉसिबल है। एक बार फिर से वापस से देखें यहां तक,
बस ये वाला पार्ट शुरू से आइए देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। सबसे पहले देखिए इसमें अपने को क्या पता चला, वाई जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब वाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है, यानी कि आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो वाई को अपन इंटीजर बोल सकते हैं। हमें जो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, क्या इसमें से वाई बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा मिला, क्लियर ना। अब चलिए इन दोनों को इक्वल करके हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में पता करना है। नहीं, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, आपने बोला माइनस वन इंटीजर है बाहर कर लिया जाए, माइनस सिक्स इंटीजर है बाहर कर लिया जाए। अब इसमें थ्री से मल्टीप्लाई है तो क्या ये थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 18 होगा। अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे पहुंचे, नहीं अगर यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रहता तो ये बहुत सिंपल हो जाता, लेकिन मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक जगह तो एक्स है और दूसरे प्लेस पे क्या है 2x है, मतलब यहीं पे अपने को प्रॉब्लम दिख रहा है। तो हमने बोला यार दुनिया भर में कोई सा भी रियल नंबर होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो क्या अपन एक्स को लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने फिट कर दिया, क्या ऐसा दिखेगा आपको। अब बताइए 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है क्या वो आपका इंटीजर है, अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर होगा तो क्या उसको बाहर कर सकते हो, बाहर कर दिया गया, ये यहाँ पे आ गया और ये बॉक्स के अंदर ही रह गया। अब इन दोनों को अगर देखोगे सॉल्व करने के बाद क्या तुम्हें ये दिख रहा है, यहां तक चलेगा। अब आपके मन में सवाल आया जो यार हमें फ्रैक्शन पार्ट के बारे में तो पता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है चाहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग हो क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 होता है, होता है। तो हमने क्या कर दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 कर दिया, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 0 टू 2 होगा। अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात कीजिएगा तो क्या इसके बीच में दो इंटीजर है, एक तो 0 दूसरा 1, अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो एक क्या आ सकता है वैल्यू 0 आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है 1 आ सकता है, समझ में आ रही बातें। तो अब हमने बोला भाई 0 तब आएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को जो वैल्यू मिल रहा होगा क्या वो 0 टू 1 मिल रहा होगा, जब ये 0 टू 1 होगा तभी तो इसका बॉक्स 0 आएगा ना। अगर इसका वैल्यू 1 आ रहा है तो यानी कि इसका वैल्यू 1 टू 2 होगा तभी 1 आएगा, क्लियर ना। तो अब बताइए यहां से क्या मैं फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बोल सकता हूँ 0 टू हाफ, क्या यहां से बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू हाफ टू 1, ये समझ में आ गया। तो यानी कि आपने देखा अगर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 टू हाफ होगा तो इसका वैल्यू 0, अगर इसका वैल्यू हाफ टू 1 होगा तो इसका वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहां पे दो पार्ट में बांट दिए फ्रैक्शनल पार्ट को, ओके तो 0 टू हाफ में इसका वैल्यू 0, हाफ टू 1 में इसका वैल्यू 1, क्लियर ना। तो अब सोचिए अगर इसका वैल्यू 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना 17, और y किसके इक्वल है 3x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 18 के इक्वल है, तो क्या इसका वैल्यू 33 हो जाएगा। क्या इसी तरीके से अगर इसका वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया आपका 18 आया, चलेगा। अब सोचिए यहां पर अगर 18 रखेंगे तो क्या ये 36 होगा, ये आ रहा है आपको, तो ये आ गया, ये तो अपने को पता चल गया। लेकिन हमने सोचा यार हमें तो फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस y, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y होता अपना काम इजी हो जाता, लेकिन फिर से वो आपको फंसा दिया, ठीक है ना। तो क्या आप बोलोगे यार 3x है तो x को अपन लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, क्या ये आपका इंटीजर है, बाहर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, बाहर आएगा। तो क्या अपने को ये मिला, अब हमें आइडिया लगाना पड़ेगा इसके बारे में ये क्या क्या वैल्यू देगा, ओके।
तो अब तुमने बोला जो ये वाला जो है इसी पे अपन ये यूज कर लेते हैं, क्यों आगे कैलकुलेट करें? तो अब बताइए ये 0 to 1/2 था तो आपका वैल्यू 17 और 33 आया। अगर ये वाला 0.5 to 1 था तो आपका ये वैल्यू 18 और 36 आया। तो हमने वही लिख दिया भाई, हमने बोला अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या होगा 0 to 3/2। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा 3/2 to 3 होगा। अब इसका बॉक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? जब ये 0 to 3/2 है तो इसके बॉक्स का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इसके बॉक्स का वैल्यू क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। क्लियर ना? और आपको वैल्यू किसका, इसका फाइंड करना है ना। क्या अब आपको दिख रहा है जो 4 वैल्यू आने वाला है? समझ में आई बातें? 4 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब ध्यान से देखिए, अगर हमने इसका वैल्यू 0 रखा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? पहले वाला 3 into बॉक्स का वैल्यू कितना है 17 प्लस क्या हो जाएगा 0, y का वैल्यू क्या है 33। मिला? क्लियर ना? तो ये कितना आ जाएगा आपका 84 आ गया। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन ये करेक्ट हुआ। चलिए सेकेंड में बात करते हैं। अब चलिए इसी का वैल्यू फाइंड करना है ना आपको। पहला बताइए 3 into क्या लिख दोगे? 3 into 17 फिर क्या होगा 1, y का वैल्यू क्या है 33 है। तो क्या आया आपका 85 आया। तो क्या ये सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा? होगा। अब चलिए इसका वैल्यू बताइए 1। यहाँ पे ये जो है क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना है 18 है। इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और इसका वैल्यू y का वैल्यू कितना है 36 है। चलेगा? अब बताइए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा 3 into ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है 18 है। तो क्या ये 18 होगा प्लस बॉक्स का वैल्यू 2, y का वैल्यू 36। चलेगा? बोलो यार। तो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? हाँ 91 और 92। तो ये आ गया आपका 91 और ये आ गया आपका 92। चलेगा? मजा आया आपको? बढ़िया क्वेश्चन है। ये है जेई एडवांस का। हमने बोला अगर अपन ये जेई एडवांस का क्वेश्चन आता तो जेई एडवांस का ये अपन इसको उसको टफ साइड में रखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है काफ़ी ध्यान से करना पड़ रहा है। नहीं, हर जगह पे देख रहे हो अपने को कितना क्लियर लिखना पड़ा है। ओके, चलिए आ जाइए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ से देखिए, पहला जो है अगर हम लोग देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना, आपको समझना है। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग अगर ये 1 हो तो क्या अपन बोल सकते हैं एनीथिंग का वैल्यू क्या होगा 0, 1 to 2 होगा। तो यहां से क्या बोल दोगे एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्लियर ना? सबका ध्यान इधर होना चाहिए। क्लियर है? अब बताइए एनीथिंग के प्लेस पे आपका क्या है 2x है। क्या ये 2x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या ये x 1/2 से ग्रेटर और 1 से लेस, क्या ऐसा होगा? तो आंसर जो आपका आया वो क्या आया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलेगा ना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, सबसे सॉल्व हुआ था। सेकेंड बताइए इसको कैसे सॉल्व करें? ध्यान से आपको सोचना है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है? इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है? होता है। अब सोचिए ये आपका क्या है? इंटीजर है। ये आपका क्या है? इंटीजर है। तो क्या इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा?
ये आप सोच पा रहे हो? क्योंकि तभी ना इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर होगा, क्लियर ना? तो आप बताइए मुझे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है भाई? क्या ये 0 to 1 होता है? तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? 0 to 1 होगा। तो इंटीजर वैल्यू क्या दे सकता है? ये 0 दे सकता है, यानी कि एक ही इंटीजर मिल रहा है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना? थोड़ा सा सोचना है, अपने माइंड का यूज कीजिए और यूज करने से बढ़ता है, नहीं चलेगा? इसका वैल्यू क्या आप 0 बोलेंगे? अगर ये 0 हो गया तो आप बताइए क्या होगा? 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू कितना लिखोगे आप? 2। तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ गया आपका? 2। और x क्या होता है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या 2 प्लस 0, क्या ये 2 आंसर आएगा? सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब चलिए लास्ट वाला जो है, ये थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में आप मुझे ये बताइए, क्या इसका फैक्टर आप लिख पाओगे? लिख पाओगे? क्या ये 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है? ऐसा ही है ना? तो इसका फैक्टर अगर आप देखोगे तो क्या ये 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 और 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है? चलेगा? यानी कि आपने बताया यहां से जो यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 1/3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? क्या आपका ये पीरियोडिक फंक्शन है? फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड क्या है? 1 है। तो क्या 1 है तो 0 टू 1 में इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? तो 0 टू 1 में इसका सॉल्यूशन जो होगा पार्शियल सॉल्यूशन, वो क्या मिल जाएगा आपका? क्या ये 1/3 मिलेगा? चलेगा? इसमें बताइए 0 टू 1 में इसका पार्शियल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। अब बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है भाई? क्या ये x इक्वल्स टू nt प्लस पार्शियल सॉल्यूशन? सही बता रहे हो आप, क्या ऐसा होगा? तो अब बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? n, t का वैल्यू कितना है? 1 प्लस पार्शियल सॉल्यूशन क्या होगा? 1/3। और क्या होगा? x इक्वल्स टू n प्लस 1/2। क्या ये आप सबको समझ में आया? क्या यही इसका आंसर होगा, जहां पे n आपका क्या है? इंटीजर है। ये सॉल्व हुआ था आपसे? हुआ था। गुड, चलिए आ जाइए इस वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। इसमें बताओ क्या आपने इसका फैक्टर आता है? आता है। चाहे अगर इसको t ले लो या फिर ऐसे देख लो, तो क्या ये 6t² माइनस 5t माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है? चलेगा? तो आप बताइए, एक तो लिख दोगे क्या t माइनस 1, दूसरा क्या रहा आपका 6t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है ना? तो क्या आप बताओगे t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू माइनस 1/6, और t आपका है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो क्या अपन यहां से बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 1/6? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू माइनस 1/6 पॉसिबल है? हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है तो फ्रैक्शन दो नहीं सकते भाई। तो क्या अपन इसको रिजेक्ट करेंगे, यहां से क्या मिलेगा अपने को? 5 मिलेगा। अब देखिए यहां से x क्या हो जाएगा? क्या ये 1/2 होगा? क्योंकि अगर x अपना 1/2 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा, नहीं? तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया आपका x belongs to 1/2। क्या ये सबको सबका सही है ना? Yes, sir. चलिए आइए देख लीजिए यहां पे ये क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
प्लस ये जो समेशन लिखा है, समेशन का मतलब है, चलो इस 1/10 को अपन बाहर ले सकते हैं। जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो समेशन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब आप बात कर लीजिए इसके बारे में, आर का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरीके से। ये जो नोटेशन है ये सम का है, ठीक है ना। अगर आर का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। 2 रखोगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2। फिर क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3। से चलते चलते कहां तक चलोगे, 10 तक। क्या ऐसा होगा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है जो अगर x प्लस इंटीजर होगा तो इंटीजर को हटा सकते हैं। अरे इंटीजर को बाहर तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कर देते ना, फ्रैक्शनल पार्ट में तो नहीं करेंगे ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप सोच लीजिए, यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है 4 प्लस 0.3, तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, चलेगा? इंटीजर को हटा सकते हो। तो ये वाला 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 10 हट जाएगा। तो टोटल कितना टर्म्स है, 10 है। तो कितना फ्रैक्शनल पार्ट अपने को मिलेगा, तो क्या ये 10 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सब में सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, क्या इंटीजर हट जाएगा, क्लियर है? तो अब बताइए 10 10 क्या कैंसिल हो जाएगा, 10 10 गया। तो अब क्या मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, x। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, सिंपल ना। सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, अच्छा सा है, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। सिग्नम फंक्शन को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, y इक्वल्स टू सिग्नम x। सिग्नम बहुत मतलब सिंपल सा है, सिग्नम बोलते हैं जो अगर मेरे को 0 मिलेगा तो आउटपुट 0 दूंगा, अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो आउटपुट 1 दूंगा, नेगेटिव मिलेगा तो -1 दूंगा, कितना सिंपल सा है। इसने बोला है, ध्यान से देखिए, इसने बोला इफ एक्स इक्वल्स टू 0 तो आउटपुट क्या देगा सिग्नम, 0। अगर सिग्नम को मिला पॉजिटिव, आउटपुट क्या देगा, 1। अगर सिग्नम को मिला नेगेटिव, आउटपुट क्या देगा, -1। बताओ इससे सिंपल हो सकता है कुछ, इनपुट मिला 0, आउटपुट दिया 0, इनपुट मिला पॉजिटिव, आउटपुट दिया 1, मिला नेगेटिव, -1, खत्म। अब चलिए ध्यान से देखिए, अब अगर यहाँ पे मैं सिग्नम ऑफ एनीथिंग के बारे में बात करूँ, मतलब चीजों को जनरलाइज करते हैं, तो आप बोल सकते हो इफ एनीथिंग ग्रेटर देन 0, अगर एनीथिंग ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट 1 आएगा, 1 आएगा। इफ एनीथिंग इक्वल्स टू 0, आउटपुट क्या होगा, 0, क्लियर ना, ठीक है। इफ एनीथिंग लेस देन 0, आउटपुट क्या आएगा, -1। बहुत सस्ता है। चलिए अब आपसे मैं पूछता हूं, इसको थोड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आपसे पूछते हैं, अगर सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाए, आप बताइए क्या फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जो होता है 0 और 1 होता है, मतलब 0 2 1 होता है, यही होता है ना। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो मिला 0 2 1, क्लियर ना। अब बताइए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 कब होता है, इफ x इज इंटीजर, चलेगा, यही होता है ना। अदरवाइज क्या फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब चलिए सिग्नम को क्या वैल्यू मिल रहा होगा, 0 2 1 मिल रहा होगा। सिग्नम बोलेगा मुझे 0 मिलेगा तो मैं 0 दूंगा, पॉजिटिव मिलेगा तो 1 दूंगा,
सिंपल ना। तो क्या अपन कह सकते हैं अगर x आपका इंटीजर हो, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अगर x इंटीजर होगा तो फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू सिग्नम के क्या पास, सिग्नम के पास क्या पहुंचा, जीरो। सिग्नम क्या देगा, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बताइए अगर x इंटीजर नहीं होगा तो फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिग्नम को क्या वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर सिग्नम को पॉजिटिव मिला तो आउटपुट क्या देगा, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। अब चलिए अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सस्ता सा पूछ लूं, जो चलो बता दो यार सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा वैल्यू, क्या एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, अगर इसमें वन ऐड कर दे तो क्या बोथ साइड वन होगा, तो क्या ये ऑलवेज अंदर वाला आइटम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होगा, सिग्नम को क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव। सिग्नम क्या देगा, वन देगा। क्या आप समझ पा रहे हो, चलिए अब बताइए अगर आपसे ये पूछे सिग्नम ऑफ मॉड एक्स, अब बताइए मॉड एक्स पूछा है तो जब मॉड वाला आइटम जीरो देगा तो सिग्नम जीरो देगा, अदरवाइज मॉड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बताइए जीरो कब देगा, जब ये जीरो, क्या जीरो पे जीरो देगा, अदरवाइज ये क्या देगा, क्या ये वन देगा, क्या सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मुझे बता दीजिए सिग्नम ऑफ मॉड एक्स माइनस फाइव, तो अब बताइए ये क्या वैल्यू देगा, ये जीरो कब देगा, जब x इक्वल्स टू फाइव हो, नहीं तो जीरो देगा तब जब इफ x इक्वल्स टू क्या हो, फाइव हो, क्योंकि फाइव पे ये खुद जीरो हो जाएगा, सिग्नम के पास पहुंचा जीरो, सिग्नम को जीरो मिल रहा है, क्या देता है, जीरो देता है। अगर अपन बात करें इफ x नॉट इक्वल्स टू फाइव तो क्या होगा, तो क्या ये वन आएगा, ये सबको क्लियर है, क्या ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है, चलिए और ये पूछ लिया जाए थोड़ा बहुत। तो अब हमने पूछा आपसे सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर के बारे में आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर के बारे में क्या पता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये पॉजिटिव कब होगा, क्या अगर टू से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, माइनस टू से लेस होगा तो पॉजिटिव होगा, इसके बीच में निगेटिव होगा, सिग्नम को पॉजिटिव मिलेगा तो आउटपुट क्या देगा, निगेटिव मिलेगा तो क्या देगा, जीरो मिलेगा तो क्या देगा, बस क्लियर था। तो अब अगर बताइए अगर मैं लिख दूं इफ एक्स बिलोंग्स टू, पॉजिटिव वाले बारे में बात करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इंफिनिटी, इसमें आउटपुट क्या आएगा भाई, वन आएगा। अगर मैं बोलूं आपको इफ एक्स इक्वल्स टू टू और एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, आउटपुट क्या होगा, जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू, क्या ये माइनस वन देगा, क्योंकि इसमें ये निगेटिव है, सबको समझ में आ गया। तो जब ये आ गया है अब कुछ भी कहेंगे तो आप कर दोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है अगर निगेटिव मिला तो माइनस वन, जीरो मिला तो जीरो और पॉजिटिव मिला तो वन होगा, क्लियर ना। चलिए अब इसके बेसिस पे हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि आपने बोला है y इक्वल्स टू
सिग्नम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे आपने बोला इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो तो आउटपुट क्या आया? वन. इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो आउटपुट क्या आया? जीरो. इफ एक्स लेस देन जीरो आउटपुट क्या आया? माइनस वन. क्लियर ना? अब चलिए आप बताइए, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, क्या जीरो पे जीरो वैल्यू देगा? जीरो पे क्या देगा? जीरो देगा. जैसे ही जीरो के राइट साइड जाए, यानी कि एक्स पॉजिटिव मिला, इनपुट पॉजिटिव, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्लियर ना? और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? माइनस वन. क्या आपको ये ग्राफ याद रहेगा? ये किसका ग्राफ है? सिग्नम एक्स का. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब चाहो तो ये जो अपन लिखे थे इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. कर ले एक बार, देखते हैं. अभी तो ग्राफ आपके जिंदगी में आने ही वाला है, उसके बाद मैथ को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा. क्योंकि चीजें दिखने लगेंगी. लेकिन आप कैलकुलस तो पढ़ोगे नहीं, तो ट्वेल्थ में ज्यादा मजा आएगा. चलिए आप बताइए, जीरो वैल्यू कब मिलेगा? टू और माइनस टू पे. क्या यहाँ पे माइनस टू पे जीरो आया और टू पे भी क्या आया? जीरो आया. क्या टू के राइट साइड में कितना दे रहा है? ये वन दे रहा है. तो टू के राइट साइड में इधर क्या मिलेगा अपने को? वाई इक्वल्स टू वन. और माइनस टू के लेफ्ट साइड में भी क्या मिलेगा आपको? वाई इक्वल्स टू वन. और माइनस टू से टू के बीच में क्या मिलेगा आपको? माइनस वन. तो क्या माइनस वन लाइन नीचे है? ये वाला ऐसे आया, वाई इक्वल्स टू माइनस वन. क्या सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है नहीं है ना? चलिए स्टार्ट करें. लास्ट क्लास में हम लोग सिग्नम फंक्शन पढ़ रहे थे. नहीं, सिग्नम फंक्शन को आप डिफाइन करना सीख गए थे. आपने बोला था सिग्नम जो होता है क्या कहता है आपको? y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x, यानी कि जब भी सिग्नम को इनपुट क्या मिलेगा? ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, तो आउटपुट क्या देगा? वो वन देगा. तो आपने लिखा था इफ x ग्रेटर देन जीरो, दूसरा क्या था? इफ x इक्वल्स टू जीरो, इफ x लेस देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो पे आउटपुट क्या आया? वन. इक्वल टू जीरो पे? लेस देन जीरो पे? माइनस वन. क्या आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया था? यहाँ पे ये लाइन जो है y इक्वल्स टू आपका वन था, यहाँ पे आपको मिला था y इक्वल्स टू जीरो पॉइंट मिला था, और ये मिला था आपको y इक्वल्स टू माइनस वन. क्या ये फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूस है? कहाँ पे? जीरो पे. क्योंकि अगर इस पर पेन चलाएं तो अपने को दिख रहा है, तो यहाँ पे उठाना पड़ रहा है. नहीं तो डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे आया? जीरो पे आया. क्लियर है सबको? इसके बाद ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था. नहीं तो अब मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया है इसको. अब देखिए, सिग्नम को ऐसा क्या मिलेगा? मान के चलिए यहाँ पे सिग्नम ऑफ एनीथिंग है. ये माइनस वन कब पॉसिबल है? जब एनीथिंग क्या हो? लेस देन जीरो हो. क्लियर सबको? यहाँ से आप बोल सकते हो एनीथिंग लेस देन जीरो, क्योंकि जब इसको लेस देन जीरो मिलेगा तभी ये आउटपुट क्या देगा? माइनस वन देगा. क्लियर ना? यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो लेस देन जीरो है. ध्यान से देखना है आपको. तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन जीरो. अब आपने साथ ही साथ पढ़ा था, अगर समथिंग अपॉन एनीथिंग हो तो आप इसको डिफाइन कैसे करते हो? एनीथिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो. क्या ये वाला पार्ट नॉन जीरो होगा? और आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन वन होता है? और इसके बारे में आपने बोला नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा. तो अब सोचिए, इसको हमने बोला नॉट इक्वल्स टू जीरो. अब बताइए जीरो होता कब है? यानी कि जब इंटीजर मिले तभी जीरो देता है.
तो अगर इसने बोला नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब अपने को समझ में आया जो यहाँ से x क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू इंटीजर। सबको क्लियर है ना? चलेगा। अगर ये नॉन इंटीजर हुआ तो यानी कि फ्रैक्शन पार्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहीं सबको क्लियर है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट अपना क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो टू वन होता है। क्लियर ना? जब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो साथ ही साथ अगर इसको हटाना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर लेस देन जीरो, एंड साथ में लिख देंगे एक्स नॉट इक्वल्स टू इंटीजर। क्लियर सबको? कोई दिक्कत है क्या? इसका फैक्टर आपको आता है? इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस फोर एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। क्या ये x बिलोंग्स टू वन टू फोर ऐसे बोल सकते हो? लेकिन इसने बोला इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, तो इसके बीच इंटीजर क्या आ रहा है, टू और थ्री आ रहा है, क्या उसको हटाना पड़ेगा? तो यानी कि यहाँ से आप इन दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो आप फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर क्या लिखते हैं, x belongs to 1 to 4 except 2, 3। चाहे इसी को थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 to 2 union 2 to 3 union 3 to 4। क्या ये सबको आ गया? यानी कि कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर सबको? कोई दिक्कत नहीं है, सबसे हो गया। पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो तो आपको बिना पेन उठाए कर लेना चाहिए, नहीं क्योंकि आप ऐसा बोलते हैं जब सिग्नम जो जीरो तब देता है, जब सिग्नम ऑफ एनीथिंग इक्वल्स टू जीरो तब होगा जब एनीथिंग इक्वल्स टू क्या हो, जीरो हो, नहीं? और देखिए तो एनीथिंग के प्लेस पे आपका क्या है, क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, यही आपका जीरो बोला है। ओके, तो आप बोलोगे फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब देता है, जब अन्य वाला पार्ट क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, तो यहां से आपने बोला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीजर, और आपको पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा इंटीजर देता है, चाहे एक्स अपन कुछ भी रखे, नहीं? तो क्या इसका आंसर इसके बाद एक्स बिलोंग्स टू आर होगा? ये सबको समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, सबका सही है। सेकेंड के बारे में बताइए, ये जो है सिग्नम ऑफ एनीथिंग इक्वल्स टू माइनस वन, यानी कि एनीथिंग लेस देन जीरो। क्लियर सबको? अब देखिए एनीथिंग के प्लेस पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो आप यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट लेस देन जीरो। क्या इसका फैक्टर आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है आपको, x माइनस फोर एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस टू टू फोर। क्या यही आपका आंसर होगा? सिंपल ना? चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट, जिसने भी सॉल्व नहीं किया है, लगभग सबसे हो ही गया, नहीं? तो आगे बढ़ना है क्या? चलिए सही है, बहुत बढ़िया। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, नहीं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं एक बार, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना? क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आपने पढ़ा था y इक्वल्स टू a टू द पावर x, जहां पे आपने कंडीशन लगाया था जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब कहलाएगा a नॉट इक्वल्स टू वन एंड a ग्रेटर देन जीरो। क्या बेस अपना नॉट इक्वल्स टू वन एंड ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं? इसके बाद आपने क्या किया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो बोला था इफ ए ग्रेटर देन वन, क्या ये इंक्रीजिंग बनता था? इसमें आपने क्या बोला था, इफ ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, क्या ये डिक्रीजिंग होता था? अब इंक्रीजिंग वाले का ग्राफ आपको पता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख लिया वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, नहीं? क्या इसे बेस जो है वो क्या है, e है, और e का वैल्यू क्या होता है, 2.72। क्लियर ना? इसमें हमने एक एग्जांपल ले लिया y equals to 1 upon e to the power x,
क्या ये वन अपॉन ई जो है आपका वो ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन है? हाँ है। इसी को अगर आप अच्छे से लिखना चाहोगे सिंप्लीफाई करके तो क्या ये ई टू द पावर माइनस एक्स बोल सकते हैं? इसका ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीजिंग टाइप होता है। ओके अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्स, क्या सबको ग्राफ पता है? पता है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होता है डिक्रीजिंग में? ऐसा होता है। अब बताइए y एक्सिस को कहां पे कट करेगा भाई? 0.1 पे। ये भी कहां कट करेगा? 0.1 पे। क्लियर सबको? अब इसमें इसका डोमेन बता दीजिए कितना होगा? सॉरी, डोमेन आ गया आपका x बिलोंग्स टू r। रेंज क्या हो जाएगा? 0 to infinity। क्या इसका भी डोमेन सेम है? क्या है x belongs to R और रेंज क्या है आपका? 0 to infinity। अच्छा इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? अगर x बढ़ रहा है तो क्या y भी बढ़ेगा? डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? x बढ़ रहा है तो y घटेगा। क्लियर ना? तो ये आपका इंक्रीजिंग है, ध्यान से देखिए। इसको आपने बोल दिया इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको आपने बोल दिया डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में आपने बोला था अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन दो टाइप का है इसमें, यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग और अपन इधर बात कर लेते हैं फॉर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में अगर आपका मतलब इफ एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वन है और इधर आपका भी एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वन है तो फंक्शन क्या होगा? अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा या फिर सेम रहेगा? सेम रहेगा। नहीं, ये सबको पता है ना, इसमें क्या पलट जाएगा? तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स टू लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वन, चलेगा? अपने को ग्राफ में भी दिख रहा है, जो अगर मान के चलते हैं यहाँ पे ये एक्स वन है और यहाँ पे ये एक्स टू है तो किस पे ज़्यादा वाई का वैल्यू मिल रहा है? एक्स टू पे मिल रहा है एक्स वन के कंपेरिजन में। इसमें चलिए यहाँ पे आपका एक्स वन है और यहाँ पे आपका एक्स टू है। देखिए एक्स टू पे वाई का वैल्यू कम मिल रहा है, एक्स वन पे ज़्यादा मिल रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में पलट जाता है। नहीं, इंक्रीजिंग में साइन सेम रहेगा। क्लियर सबको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। यही सेम चीज लिखा हुआ है, अगर फंक्शन अपना इंक्रीजिंग होगा तो इनक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, डिक्रीजिंग होगा तो पलट जाएगा। अगर इसके बाद हम लोग बात करें, कुछ इस टाइप का कंडीशन दे रखा है, एक्स जो है आपका एक्स वन टू एक्स टू में लाई कर रहा है, इंक्रीजिंग है तो क्या ये साइन सेम रहेगा? डिक्रीजिंग होगा तो क्या साइन पलट जाएगा? सिंपल ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये इक्वालिटी के बारे में बात करें, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a टू द पावर x2 इक्वल्स टू a टू द पावर x1, क्या दोनों का बेस सेम है? तो पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं x2 इक्वल्स टू x1? क्लियर सबको? अगर ये इनक्वालिटी दिया है तो अपन पूछना चाहेंगे उससे जो है, अगर ये इंक्रीजिंग होगा यानी कि a ग्रेटर देन वन होगा तो इंक्रीजिंग होगा, अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या इनक्वालिटी का भी साइन सेम रहेगा? अगर a ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन होगा तो क्या डिक्रीजिंग होगा? क्या डिक्रीजिंग होगा तो साइन पलटेगा? पलटेगा। तो अब इसमें बता दीजिए मुझे क्या लिखना चाहोगे, x2 ग्रेटर देन x1, इस वाले में क्या होगा? पलट जाएगा। क्या ये आपका x2 लेस देन x1 होगा? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे आपका जो x है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 to 5 है और ये 2 टू द पावर x आपका क्या है? इंक्रीजिंग है। कैसे पता चला भाई?
क्योंकि बेस अपना वन से ग्रेटर है, तो क्या ये इंक्रीजिंग है? तो अब बताइए 2 टू द पावर x क्या हो जाएगा? क्या ये 2 टू द पावर 1 टू 2 टू द पावर 5 होगा? चलेगा? तो यानी कि इसका जो आंसर बताओगे वो क्या हो जाएगा, 2 टू 32 होगा। क्या ये सबको आ गया? कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो, यहाँ पे इक्वालिटी है, क्या दोनों का बेस सेम है? नहीं। क्या सेम बना सकते हैं? बना सकते हैं। अगर सेम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स। क्या दोनों का बेस सेम बन चुका है? तो क्या पावर भी दोनों का क्या होगा? तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। तो क्या आपका माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, क्या ये दोनों गायब हुआ, 1 इक्वल्स टू 3 पॉसिबल है? तो आंसर क्या आएगा? पाई आएगा। सबको क्लियर है ना? चलिए इसके बाद अगर हमें ये सॉल्व करना हो तो क्या किया जाए, क्या दोनों का बेस जो है सेम है, लेकिन क्या लेस देन 1 है, यानी कि डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो क्या पलटेगा? तो पलटेगा। तो आप बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हो, क्या ये x लेस देन 2x होगा? ऐसा क्या x x गायब कर दे? नहीं, एक साइड ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस x ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 0। तो क्या ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें x के बारे में पता करना है ना, कट करना गलत बात है ना। चलेगा, ये सबको आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में तो आप क्या बताओगे, क्या दोनों का बेस सेम है? बना सकते हैं? बना सकते हैं। अगर सेम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 टू द पावर x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 टू द पावर माइनस 5x माइनस 6, ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या होगा आपका, क्या ये 3 टू द पावर x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 टू द पावर माइनस 5x प्लस 6, क्या अब दोनों का बेस सेम है? क्या वो ग्रेटर देन 1 है? क्या ये इंक्रीजिंग है? है। तो अगर इंक्रीजिंग है, बेस सेम है, तो क्या अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं इक्वालिटी का साइन? सेम रखेंगे, नहीं पलटेगा नहीं। तो क्या ये x स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा, माइनस 5x प्लस 6, चलेगा ना। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो एक साइड ले आया जाए, तो अगर एक साइड लाएंगे तो क्या बनेगा अपना, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। क्या इसका फैक्टर आपको पता है, x प्लस 6 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, क्या ऐसा होगा? यहां से आप आंसर क्या बता दोगे, क्या ये x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 1 टू इंफिनिटी होगा? क्या ये सब क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं? कर चुके हैं। तो अब इसके बारे में अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे अपन, क्या यहाँ पे बेस सेम है? नहीं। क्या बेस सेम बनाया जा सकता है? आप बताइए क्या लिखूंगा मैं, 2 टू द पावर माइनस 1, उसके पावर में ये है, तो क्या ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2x होगा? ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या इन दोनों का बेस सेम बना? अगर बेस सेम बना तो कंपेयर कर सकते हैं, क्या ये इंक्रीजिंग है? अगर इंक्रीजिंग है तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा, सेम रहेगा। तो अब बताइए यहाँ से ये अपने को क्या मिला, माइनस 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर, सॉरी 2x है ना, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2x। क्या इसको सॉल्व करना अपने लिए बहुत टफ है क्या? नहीं है। आप एक साइड लेके चले जाओ, अगर एक साइड लेके जाओगे तो क्या लिख सकते हो, 2x plus mod of x minus 2 plus 1 less than equals to 0। अब यहाँ पे mod प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं तो क्या अपने को mod को डिफाइन करना आता है? आता है। तो यहाँ पे जो mod है वो किस पे लगा हुआ है, x minus 2 पे लगा है। क्या अपन कह सकते हैं if x minus 2 greater than 0, तो क्या ये पॉजिटिव साथ ओपन होगा, if x माइनस 2 लेस देन 0 नेगेटिव साथ ओपन होगा, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? कर सकते हो।
तो चलिए साथ में कर लेते हैं, फिर आपको करने का मौका दिया जाएगा। क्या केस वन बताओ क्या लिखेंगे? इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू चलेगा? तो क्या ये पॉजिटिव साथ ओपन होगा? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो इसको, 2x प्लस x माइनस 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 चलेगा? तो ये क्या आ गया आपका, क्या ये 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3। हमने जो केस कंसीडर किया है क्या उसके साथ सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन होगा? होगा। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए? अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। एक बोल रहा है 1/3 से छोटा, वो बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कोई मैच हो सकता है? नहीं। अब केस 2 अपन क्या बोलेंगे, इफ एक्स लेस देन 2, अगर लेस देन 2 होगा तो ये किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ। तो अगर ये माइनस के साथ ओपन होगा तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2x माइनस x प्लस 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या ये सबको आ रहा है? तो अब बताइए यहां से क्या मिला अपने को, x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या ये x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 मिला? चलेगा। क्या जो सॉल्यूशन आया है उसका इंटरसेक्शन अपने को किसके साथ लेना पड़ेगा, केस के साथ। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, तो यहां से आ गया x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, नहीं ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का यूनियन होगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो फाइनल आंसर आ गया आपका फर्स्ट यूनियन सेकंड। क्या ये मिला अपने को, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, सिंपल है ना, चलेगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे दिख रहा है 25, यहाँ पे दिख रहा है 5, दोनों का बेस सेम नहीं है, लेकिन बना सकते हैं, क्योंकि इस 25 को आप लिख सकते हो 5 to the power 2, क्या ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 into क्या हो जाएगा, 2x minus 1 greater than 5 to the power 3x by 2, क्या दोनों का बेस जो है वो ग्रेटर देन वन है और बेस सेम है, तो क्या अपन बोल सकते हैं अगर ये इंक्रीजिंग टाइप का दिख रहा है अपने को तो इसका भी इनक्वालिटी जो होगा वो सेम होगा, क्या ये 3x by 2 ऐसा लिख सकते हो, तो क्या हो गया 8x minus 4 greater than 3x, क्या बोल दोगे 5x greater than 4, क्या ये x greater than 4/5 आ रहा है आपका? Yes, sir. सबका आ गया होगा ना।